For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगेन आपको डिफिकल्ट लग सकता है। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन सुनिएगा आराम से, प्रैक्टिकल टॉपिक है, डिफिकल्ट लग सकता है। क्वेश्चन अगर यहां से बन गया तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हाथ भी नहीं लगाते। पूरी पार्टनरशिप पढ़ ली छोटी सी बात पे, अगर वो क्वेश्चन ही ना हाथ में ले पाए हम एग्जाम में, तो कितनी गलत बात हो जाएगी। आओ जी, एक बार देखते हैं क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी नोटिंग मत करना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक बैलेंस शीट दी हुई है आपको, पार्टनरशिप फर्म की क्या दी हुई है, एक बैलेंस शीट। आराम से सुनना, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। आप मुझे बताओ क्या यहां एसेट में बिल्डिंग हो सकती है? मान लेते हैं एक बार 4 लाख रुपए। क्या फर्नीचर हो सकता है? मान लेते हैं 3 लाख रुपए। डेटर हो सकते हैं? डेटर, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। स्टॉक हो सकता है? 2 लाख रुपए। कैश 1 लाख रुपए। टोटल लगाना एक बार, 7 और 5 12 15 लाख। ये हमारी बैलेंस शीट है। और अगर हम बात करें कैपिटल की, तो ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर है, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, तो मेरे ख्याल से बाहर 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख इज फर्म की कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। उसके बाद अगर आप क्रेडिटर की बात करो तो 5 लाख 11 हो गए ना, बैंक लोन 4 लाख। बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे एक चीज बताओ, रिजोल्यूशन में आज तक आपने क्या किया? आपने मान लो ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की है, आपने आज तक रिजोल्यूशन में क्या किया? आपने ये सारी एसेट्स कहां ट्रांसफर कर दी? ये सारी लायबिलिटीज आपने कहां ट्रांसफर कर दी? यही हुआ, एसेट को आपने फटाफट से बेचा, लायबिलिटीज को पे करा, प्रॉफिट या लॉस निकाला, उसको पार्टनर्स में बांटा, और जो पैसा बचा हुआ था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पार्टनर में। दिस इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन। लेकिन ये सारा काम आपने कौन सी डेट पे करा? 31 मार्च 2023। यही पढ़ा अभी तक हमने। आप मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि इस बिल्डिंग को उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा और इसको बेच दिया, इस फर्नीचर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा और बेच दिया, ये सारा काम आपने कब किया? मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, 31 मार्च को यही किया। आपने आज तक जितना भी डिसोल्यूशन पढ़ा है, आपने हर क्लास में एक इम्प्लिसिट अजम्पशन लगाई। वो अजम्पशन क्या थी? कि मेरी बिल्डिंग 31 मार्च को ही बिकेगी और 31 मार्च को ही बिल्डिंग का पूरा पैसा आ जाएगा। आपका फर्नीचर 31 मार्च को ही बिक गया और 31 मार्च को ही आपके पास 2,80,000 आ गया। मान लो फर्नीचर 2,80 का बिका, तो 31 मार्च को ही बिका और 31 मार्च को ही पैसा आ गया। 31 मार्च को आपके डेटर कितने थे बैलेंस शीट में? 5 लाख। और 31 मार्च को ही सारे डेटर्स ने आपको
4,80,000 की क्या कर दी सेटलमेंट। आप एक इम्प्लिसिट अजम्पशन पे क्वेश्चन कर रहे थे, और वो अजम्पशन क्या थी कि सारी एसेट्स, जब हमने डिसोल्यूशन का सोचा, हमने जब डिसोल्यूशन का सोचा तो सारी एसेट्स सेम डे पे रियलाइज हो गई, सेम डेट पे रियलाइज हो गई। आज तक आप जितना, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अभी जी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन अभी शुरू कराया है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है जी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अभी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है मीनिंग नहीं बता रहा मैं आपको, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अभी तक आप क्या कर रहे थे उसको पहले रिफ्रेश करो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि अभी तक आप कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपको पीसमील जल्दी समझ में आएगा। आप डिफरेंशिएट करो, आज तक आप जितने भी क्वेश्चन डिसोल्यूशन में कर रहे थे, आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दी होती थी, और आप उस बैलेंस शीट की जितनी भी एसेट है सारी कहां ट्रांसफर करते थे, रियलाइजेशन में, और बैलेंस शीट के नीचे उसकी रिकवरी दी होती थी कि भैया बिल्डिंग इतने की बिक गई, फर्नीचर इतने का, डेटर से इतने पैसे आ गए। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा होता था कि बिल्डिंग कब बिकी, फर्नीचर कब बिका, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन थी कि ये सारा सामान रिकवर हो रहा है ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। कहीं डेट थी आज तक कि बिल्डिंग कौन सी डेट पे बिकी, स्टॉक कौन सी डेट पे बिका, यानी कि एक यूनिवर्सल अजम्पशन थी, एक इम्प्लिसिट अजम्पशन थी, क्या कि जिस डेट पे पार्टनर ने ये सोचा, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया, जिस डेट पे पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भैया कल से हम काम नहीं करेंगे, तो अकाउंटेंट ने क्या करा, 31 मार्च को सारी एसेट रियलाइजेशन में, सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में, सारी रिकवरी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड। लेकिन वो रिकवरी हुई कब, ये मान के चल रहे थे रिकवरी उसी डेट पे हो गई। अगर बिल्डिंग की वैल्यू नीचे दी होती थी 3,20,000 और ऊपर दी हुए 4,00,000, तो आप क्या मानते थे 3,20 कब मिल गया आपको, 31 मार्च पे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, क्या बिल्डिंग, अगर आज आपके पास कोई बिल्डिंग हो, आज आप सोचो इमीडिएट बिक जाएगी। आज अगर लक्ष्मी नगर में किसी दुकानदार को, किसी बुक सेलर को ये डिसाइड कर लिया उसने कि कल से मैं काम नहीं करूंगा, तो क्या आज ही सारा स्टॉक क्लियर हो जाएगा। यानी कि अभी तक क्वेश्चंस के अंदर क्या अजम्पशन चल रही थी, बाय डिफॉल्ट क्या अजम्पशन चल रही थी कि सारी एसेट्स सेम डेट पे रियलाइज हो रही है। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, बिल्डिंग की बात करते हैं। अगर आज आपको कोई बिल्डिंग बेचनी हो तो इसका तरीका क्या है, 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ रही है मान लो 40,00,000 रुपए की, एक मिनट, 4,00,000 से मैं कितने पे आ रहा हूं, 40,00,000 पे फिगर ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगेगा फिर। 40,00,000 रुपए की आपकी बैलेंस शीट में क्या आ रही है, बिल्डिंग। इधर देखना, बिल्डिंग बेचने का प्रोसीजर बता रहा हूं आपको। अब पार्टनरशिप फर्म को लगता है जी ये हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिल्डिंग बेचनी है, बिल्डिंग बेचनी है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो लक्ष्मी नगर में ये बिल्डिंग है इनके पास, ये क्या करेंगे, लक्ष्मी नगर के मान लो एबीसी पार्टनर है, एबीसी कौन है, पार्टनर है। अब इनको फॉर्म बंद करनी है 31 मार्च को, इन्होंने 31 मार्च को देखा जी हमारे पास बुक्स में कितने की बिल्डिंग आ रही है, 40,00,000। ये लक्ष्मी नगर के 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी इनके नोन टू प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे उनको ये बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं इस बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो कोई अगर इंटरेस्टेड बायर हो तो हमें से मिलवाना। यानी कि ये जो एबीसी हैं, ये लक्ष्मी नगर के ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी डीलर को ये प्रॉपर्टी बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी हम बेचना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड बायर हो तो बताना। अब मुझे बताओ क्या ये 31 मार्च को ही प्रॉपर्टी डीलर इंटरेस्टेड बायर ले आएंगे और 31 मार्च को इंटरेस्टेड बायर आपको पैसे दे देगा सारे के सारे, नहीं। हो सकता है इंटरेस्टेड बायर ढूंढते ढूंढते एक महीना निकल गया, लोग आते हैं प्रॉपर्टी देख के चले जाते हैं, हाँ या ना बताते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 31 मई को आपको एक बंदा मिला बायर, प्रॉपर्टी डीलर लेके आया, कहता जी इंटरेस्टेड पार्टी है, ये आपकी बिल्डिंग खरीद लेंगे। मुझे बताओ 31 मार्च को वो आपसे प्रॉमिस कर गया, जो नया बंदा आया, मान लो मैं आया आपके पास, मैंने कहा जी ये बिल्डिंग मैं ले लूंगा, लेकिन 40,00,000 की बिल्डिंग है, मैं पहली बात तो कितने में ले रहा हूं ये, मान लो 38 में, मेरा और आप, मेरी और आपकी डील कितने की हो गई, 38 की, 38 में से मैंने बोला जी 5,00,000 रुपए अभी पकड़ो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोकन मनी एडवांस।
प्रॉमिस अमाउंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं बयाना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बयाना। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर ये 5 लाख देने के बाद मैं मुकर जाऊं तो ये 5 लाख मेरे जीरो हो जाएंगे, आप फॉरफिट कर लोगे इस अमाउंट को। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसके बाद मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकता, ये रिटर्न में होता है काम, स्टैम्प पेपर पे एक अग्रीमेंट टू सेल बनता है, अग्रीमेंट टू सेल, उसमें लिखा जाएगा कि बेचा क्या जा रहा है, बिल्डिंग कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कितने की बेच रहा है और टोकन मनी कितनी दे दी है। बात पार्ट पेमेंट हो गई ना, अब बताओ मुझे कितने पैसे और देने हैं आपको, 33 लाख रुपए। मैंने कहा जी मैं 30 जून को 13 लाख रुपए दूंगा और 31 जुलाई तक मैं 20 लाख रुपए और दे दूंगा, यानी कि मैंने अपनी 38 लाख की पेमेंट 3 हिस्सों में करी। टाइम मांगा आपसे, प्रैक्टिकली कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है 2-3 महीने का टाइम लेता बायर, कहता जी मैं धीरे धीरे पैसे दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 31 मार्च को सारा पैसा कैसे मिल गया आपको? क्या फर्म के पास 31 मार्च को सारी रिकवरी हो जाती है या धीरे धीरे रिकवरी होती है? प्रैक्टिकली सोचो, डेटर को आपने फोन किया, ये बिल्डिंग का केस समझ में आया आपको? यानी कि पैसा वन शॉट में सारा आ रहा है या ग्रेजुअली आ रहा है? ग्रेजुअली आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है पैसा। तो डेटर्स को आपने फोन करा, पार्टनरशिप फर्म के डेटर कितने थे ऊपर बैलेंस शीट में, एक बार उतना ही ले लो, 5 लाख। 31 मार्च को आपके 5 लाख के डेटर हैं, इसमें 10 लोग हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तो कलेक्टिव टोटल डेटर होते हैं ना। किसी से आपने 25,000 लेना है, किसी से आपने 35,000 लेना है, किसी से आपने 2 लाख लेना है। आप 31 मार्च को सबको फोन करोगे कि जी हमने अपना बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया, आप हमारे पैसे दे दो। आप मुझे बताओ अलग अलग पार्टी को आपने अलग अलग क्रेडिट पीरियड दिया होगा, किसी की पेमेंट 15 अप्रैल को ड्यू होगी, किसी की पेमेंट 15 मई को ड्यू हो रही होगी, किसी की पेमेंट 30 अप्रैल को ड्यू हो रही होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट करोगे कि जल्दी पैसे दे दो जी, बताओ सारे लोग 31 मार्च को पैसे दे देंगे? आधे लोग तो कहेंगे जी मेरी पेमेंट तो 30 जून को ड्यू होती है, आपने 3 महीने का क्रेडिट दे रखा है, कल तो मान दिया आपने मेरे को, आज आप कह रहे हो फॉर्म बंद कर रहे हैं। मान लो आप ABC हो, मैं आपका डेटर हूं, आपने 30 मार्च को मुझे गुड्स भिजवाए थे 2 लाख रुपए के और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था, तो मैं लायबल टू पे कब है मेरा? 30 जून को। मैं कह रहा हूँ जी कल तो आपने सामान भिजवाया, आज आप कह रहे हो बिजनेस बंद कर रहे हैं और पैसे दे दो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा जी। आपने कहा जी डिस्काउंट ले लो 2 लाख की जगह 1.80, मैं कहा जी मुझे नहीं चाहिए डिस्काउंट, अगर मेरे पास इमीडिएट पैसे होते तो मैं आपसे तभी ना कैश परचेज करता, मैं क्रेडिट परचेज क्यों करता? यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टनर्स ने जब सोचा कि भैया कल से बिजनेस बंद, तो ठीक है आपने सोच लिया, आपने अपना एग्रीमेंट कर लिया कि जी बिजनेस बंद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पार्टनर ने सोच लिया, लेकिन एसेट कोई रातों रात थोड़ी ना बिक जाएंगी। एसेट आप बेचोगे, टाइम लगेगा पैसा आने में। ये बात क्लियर होती है या नहीं होती है? आज तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ कि आपको ये बता रहा है कि डेट ऑफ रिकवरी क्या है। अभी तक वो क्या करते थे, बैलेंस शीट में आपको आइटम बता दी, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर है, और नीचे वो रिकवरी बता देते थे, और आप बाय डिफॉल्ट ये मानते थे कि ये रिकवरी 31 मार्च को ही हो रही है। कैसे हो जाएगी रिकवरी 31 मार्च को? आप सोचो ना, रातों रात तो स्टॉक भी नहीं बिकेगा। स्टॉक में भी क्या होगा, आराम से सोचना। 31 मार्च को मान लो हमने बैलेंस शीट बनाई, 3 लाख का स्टॉक है। अब हमें पता है कि भैया 1 अप्रैल से हमने डिसकंटिन्यू करना है बिजनेस, तो हम इसकी सेल लगाएंगे ना। सेल में भी कोई एक दिन में सामान थोड़ी ना बिक जाएगा, उसमें भी 7-10 दिन लगेगा। यानी कि जो रिकवरी होगी एसेट से वो ग्रेजुअली होगी, वो एकदम से एक दिन में थोड़ी ना रिकवरी हो जाएगी। बिल्डिंग ही नहीं बिकती 6-6 महीने, बिल्डिंग ही नहीं बिकती 6-6 महीने। तो आप खुद सोचो, आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉपर्टी बिकी होगी कभी, तो वो क्या होता है, लोग आते रहते हैं, इंटरेस्टेड बायर देखते रहते हैं, कोई बाहर से ही देख के चला जाता है, नहीं जी इसकी लोकेशन बेकार है। जिसको लोकेशन समझ में आती है उसको प्राइस नहीं समझ में आता, जिसे प्राइस समझ में आ जाता है उसे लोकेशन नहीं समझ में आती, जिसे दोनों समझ में आती हैं उससे पेमेंट की बात नहीं बनती। आप कहते हो जल्दी दे दे, वो कहते हैं जी 6 महीने लगेंगे अभी तो पैसे के लिए। अच्छा, जिसे सारी चीज समझ में आ जाती है उसे व्हाइट और ब्लैक का कंपोनेंट नहीं समझ में आता, बिल्डिंग में तो बहुत होता ही है। बात समझ में आ रही है? तो डील हो नहीं पाती। जनरली 15-20 बायर आते हैं, उसके बाद शायद कोई एक इंटरेस्टेड बायर होता है, क्योंकि आप भी परेशान हो जाते हो और
सामने वाला ही परेशान हो जाता है डीलर। समझ पा रहे हो या नहीं? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि एसेट्स विल रियलाइज ग्रेजुअली। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि एसेट की रिकवरी 31 मार्च को आपने सोचा फर्म बंद कर रहे हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को सारा पैसा कैसे रिकवर हो जाएगा? डेटर सारे आके आपको पैसे थोड़ा ना दे जाएंगे इमीडिएटली। कई डेटर होंगे मना कर देंगे, कहेंगे जी सॉरी हमारी तो 30 जून को पेमेंट ड्यू है, हम तो 30 जून को ही दे पाएंगे। एग्रीमेंट हुआ हुआ है आपसे भाई, उन्होंने गुड्स खरीदे हैं, आपने क्रेडिट के केस में इनवॉइस इशू किया होगा, इनवॉइस पे क्लियरली लिखा होगा पेमेंट टर्म्स में 90 डेज। जब आप किसी को उधार सामान बेचते हो तो आप एक क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हो, उसको करते हो ना, वो क्रेडिट पीरियड कहाँ लिखा होता है कि कितने दिन में पेमेंट कर देना, बोलो 90 डेज, किसी को 60 डेज, किसी को 15 डेज। तो कैसे वो एक आधा डेटर हो सकता है कि ओहो आप बिजनेस बंद कर रहे हो, मैं आ जाता हूँ जी पैसे देता हूँ। समझ पा रहे हो? अब इन्वेंट्री पड़ी है, आपने अपने पड़ोसी से पूछा यार हमने तो बिजनेस बंद कर दिया, तू रख ले अपनी दुकान में इन्वेंट्री, तू भी तो हमारा कॉम्पिटिटर ही है, बेचता रही है उसको। वो कह रहा है मैं से अपनी इन्वेंट्री नहीं बिक्री, मैं तुम्हारी लेके करूंगा क्या इन्वेंट्री। अगले ने साफ ही मना कर दिया। और अगर वो लेने में इंटरेस्टेड भी होगा, वो भी पता क्या कहेगा, ठीक है जी रख दो, जैसे जैसे बिकती रहेगी वैसे वैसे पैसे देता रहूंगा, आप लगा दो ताला अपनी दुकान के, आप रख दो, आपको यही है ना इन्वेंट्री रखनी है। समझ पा रहे हो? अगला कहेगा जी रख दो मेरी दुकान के आगे, जैसे जैसे बिकती रहेगी, जो जो पैसे आते रहेंगे मैं देता रहूंगा आपको। यानी कि एसेट्स कैसे रियलाइज हो रही हैं ग्रेजुअली। बात समझ में आ रही है? यानी कि पैसा एकदम से आ रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर पैसा थोड़ा थोड़ा आएगा तो खाने के लिए पार्टनर्स के पास जो मील है, मील यानी कि पैसा, वो इकट्ठा आ रहा है या पीसीज में आ रहा है? कभी 2 लाख रिकवर हुए, कभी 10 लाख रिकवर हुए, कभी 5,000 रिकवर हुए। यानी कि जो मील है अल्टीमेटली पार्टनर्स को चाहिए ना वो पैसा। पार्टनर ने विड्रॉ करनी है आज क्या? अपनी कैपिटल। मेन कंसर्न डिसोल्यूशन का क्या है? जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको बांट दो पार्टनर्स में, और जो पार्टनर का पैसा बचा वो विड्रॉ करेंगे। तो जो मील आपने विड्रॉ करना है, वो मील, वो पैसा इकट्ठा अवेलेबल है या पीसीज में अवेलेबल है? अब सवाल यह है कि वो पीसीज में अवेलेबल है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? कॉन्सेप्ट का नाम समझ में आया आपको? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला फर्ज, आप अकाउंटेंट हो, आप फर्म के क्या हो? अकाउंटेंट। अपने आप की पोजीशन पहले डिफाइन करो कि आप कौन हो, क्योंकि जब तक आप उसकी चेयर पे नहीं बैठोगे आपको समझ नहीं आएगी। आप अकाउंटेंट वाली चेयर पे बैठे हुए हो, किसके अकाउंटेंट हो? फर्म के। फर्म के अकाउंटेंट ने, आराम से सुनना, मान लेते हैं स्टॉक जल्दी बिक गया, डेटर से जल्दी पैसा आ गया और फर्नीचर बिक गया, इनसे रिकवरी हो गई। अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज चेंज कर रहा हूं यहां पे, अमाउंट नहीं चेंज कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से एक चीज उठा रहा हूं। मान लेते हैं डेटर से जल्दी पैसा आ गया, फर्नीचर जल्दी बिक गया और 1 लाख का कैश था, और एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये 3 लाख का ही बिका, ये 1 लाख था ही, ये भी 5 लाख के ही सेटल हो गए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ इसके पास, अकाउंटेंट के पास कितने पैसे पड़े हैं? अकाउंटेंट पहले, अभी 9 लाख रुपए पड़े हैं, अभी बिल्डिंग तो बिकी नहीं, बायर आते हैं देख के चले जाते हैं, पार्टियां आती हैं देख के चली जाती हैं। 9 लाख रुपए हैं, अकाउंटेंट का सबसे पहला फर्ज पार्टनर्स को पे करना है या क्रेडिटर और बैंक लोन को? अदरवाइज ये पार्टी क्या कर देंगी? केस कर देंगी। अगर मान लो अकाउंटेंट ये 9 लाख रुपए उठा के इनको दे देगा तो बैंक वाले कहेंगे जी हम पागल हैं, मतलब पहले बिजनेस बंद हो रहा है तो पहले ऑनर अपना पैसा निकालेगा या पहले लाइबिलिटी और एक्सपेंसिस पे होंगे? लाइबिलिटी और एक्सपेंसिस पे होंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस। बात समझ में आ रही है? पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसिस पे होंगे, लाइबिलिटियां पे होंगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई गवर्नमेंट का ड्यू चल रहा है आपके ऊपर, कोई इनकम टैक्स पे करना है आपने, कोई जीएसटी पे करनी है आपने, तो पहले आउटसाइडर को पेमेंट होगी और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो किसको पेमेंट होगी? पार्टनर्स को। ये बात तो जायज लग रही होगी आपको। अदरवाइज अगर हमारा अकाउंटेंट पहले ऑनर्स को पैसा रिफंड करना शुरू कर देगा तो ये जो बाकी की पार्टी खड़ी है ये आपके ऊपर क्या कर देंगी? केस कर देंगी कोर्ट में
कि जी ओनर अपना ही पैसा निकाले जा रहे हैं, हमें तो दे नहीं थे पहले। अब मुझे बताओ ये जो 9 लाख रुपए इकट्ठा हुआ 3 फर्नीचर से 5 डेटर से, मैं मान के चल रहा हूं जितने की बैलेंस शीट में आइटम लिखी है उतने पैसे रियलाइज हो गए, तो ये 9 लाख रुपए इकट्ठा है, ये तो कैश में पड़ा ही है, 5 डेटर से आ गए, 3 के 3 फर्नीचर से आ गए, मान लेते हैं 1 मिनट अजम्पशन है, ठीक है 9 लाख रुपए हैं, 9 लाख रुपए यहां पे हो जाएंगे, बोलो चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, चलो ये 9 लाख पे हो गए, ये तीनों आइटम खत्म हो गई। अब बताओ अब किसको पेमेंट होगी, अब किसको पेमेंट होगी, बाहर वाले तो खत्म हो गए, अब किसको पेमेंट होगी, हमारी बिल्डिंग के लिए हमें सही आदमी मिल गया 15 मई को, ये बैलेंस शीट कब की है 31 मार्च की, हमें अपनी बिल्डिंग के लिए सही आदमी मिल गया 15 मई को, 15 मई को वो कहता जी मैं बिल्डिंग ले लूंगा 4.5 लाख की, एग्रीमेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4.5 लाख में सिर्फ मैं अभी आपको कितने दे रहा हूं 50,000, बाकी के पेमेंट 2 किश्तों में और दे दूंगा, भाई आपसे टाइम ले लिया महीने महीने का, 2 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, 4.5 लाख की बिल्डिंग ले लेता हूं आपकी, 50,000 रुपए पकड़ो एडवांस मनी। अब बताओ अकाउंटेंट के पास कितने पैसे आए, अब बताओ पेमेंट देनी किसकी, अकाउंटेंट ने, पार्टनर्स की, किस पार्टनर को दे, कैसे, बात समझ में आई, पार्टनर का आपस में झगड़ा होगा इस 50,000 को बांटने के चक्कर में, सी कहेगा मेरे सबसे कम लगे हुए हैं मुझे पहले दे दे, ए कहेगा मेरे सबसे ज्यादा लगे हुए हैं मुझे पहले दे दे, झगड़ा होगा या नहीं होगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट आई 2 लाख रुपए की, जो बायर था उसने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी आपको, कहता जी 2 लाख रुपए और पकड़ो, ये 2 लाख कैसे बटेंगे, बात समझ में आई या नहीं आई, मतलब आराम से सुनना, अकाउंटेंट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो फेस क्या कर रहा है, जैसे जैसे एसेट रियलाइज होती है, हमने लाइबिलिटी तो पे कर दी, हमने एक्सपेंसेस तो पे कर दिए, पर जो फिर भी पैसा बच जाता है वो अल्टीमेटली किस में बटेगा, पार्टनर्स में, पर कैसे बटेगा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो कैसे बटेगा, क्लियर है या नहीं। अकाउंटेंट एक चीज आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कि प्रॉब्लम क्या है, कि जो सरप्लस कैश बच गया, मान लो अकाउंटेंट की जेब में 50,000 रुपए पड़े हैं, ये टोकन मनी आई थी, या पार्टनर्स में मैं इसको कैसे बांटूं, कैपिटल की रेशियो में बांटूं, बीएसआर में बांटूं, जिसके ज्यादा लगे हुए हैं उस रेशियो में बांटूं, क्या करूं, आराम से सुनना, यानी कि अमाउंट किस रेशियो में बटेगा, और एक सेकंड, बांटना किसके बीच में है, सर इनको तो पूरा पूरा देना पड़ेगा पहले, बंटवारे की टेंशन किसके बीच में है, पार्टनर के बीच, इधर देखना, हमारे पास 2 मेथड है कि पार्टनर्स में अमाउंट कैसे बटेगा, एक हमारा मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड, और एक हमारा मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड। दो ऑप्शन अवेलेबल हैं अकाउंटेंट के पास किस सिचुएशन को डील करने के लिए, कि अगर पीस मील पैसा मिल रहा है, टुकड़ों में पैसा मिल रहा है, तो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है थोड़ा बहुत जेब में, वो पार्टनर्स में कैसे बांटें। आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम क्या है। अकाउंटेंट के पास आए 2 लाख रुपए, 1,80,000 की लायबिलिटी पे हो गई, आज अकाउंटेंट के पास कितने पैसे पड़े हैं 20, इस 20 को मैं पार्टनर्स में कैसे बांटूं, फिर मुझे 50,000 रुपए मिले किसी डेटर से, तो इस 50,000 को कैसे बांटूं, स्टॉक से 3,000 रुपए मिले, मैं इस 3,000 को कैसे बांटूं, यानी कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है मैं उस पैसे को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं। तो हमारे पास कितने मेथड अवेलेबल हैं उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के, 2, मैक्सिमम लॉस मेथड, और जैसे आपने बबचपन में डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड पढ़े थे, SLM और WDV, दोनों से एक ही पर्पस सॉल्व होता था, वो क्या पर्पस सॉल्व होता था, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट आ जाता था वहां से। इसी तरीके से अकाउंटेंट के पास 2 मेथड हैं कि अगर आपको धीरे धीरे पैसा मिल रहा है, तो आप ये धीरे धीरे मिलने वाले पैसे को
कैसे पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। आउटसाइडर को तो सबसे पहले देना ही है, उसके बाद अगर कुछ बचता है। ये मेथड आउटसाइडर से डील करते हैं या पार्टनर से? और ये मेथड किस लिए बनाए गए हैं? क्योंकि जो फर्म अपनी एसेट्स को रियलाइज करेगी वो एकदम कर सकती है या पीस मील होगा। मील समझ रहे हो आप, पैसा, और वो पैसा किस में आ रहा है? पीसीज में। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या चल रही है? लड़ाई। एक कहेगा भाई मेरे 3 लाख लगे हैं, मुझे फटाफट से पैसे दो, मेरे सबसे ज्यादा लगे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई कहेगा कैपिटल रेशियो में करवाओ, कोई कहेगा पीएसआर की रेशियो में करवाओ। यस और नो, बात समझ में आ रही है? झगड़ा होगा या नहीं होगा? तो हमारे पास 2 तरह के मेथड अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको कॉन्सेप्ट का नाम क्लियर है जरूर? बात समझ में आ रही है? लिखवा दूंगा, सब लिखवा दूंगा। बात समझ में आ रही है? या पहले लिखवा दूं? पहले कॉन्सेप्ट लिखवा दूं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे? चलो पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं। क्या कह रहे हो बताओ जी? पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ऑल दो मेरे ख्याल से लिखते हुए ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वर्किंग कैसे करनी है। बात समझ नहीं, लेकिन आपको अभी मैंने पूरी क्लास में अभी तक क्या समझाया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग बनाए कॉन्सेप्ट ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना इजी टॉपिक है अगर ढंग से समझा जाए तो। लिखना शुरू करेंगे जी इसके अंदर। बातचीत बंद। हमने क्या लिखा? दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन This concept is based upon the fact that assets of partnership firm realize। बताओ जी, वन शॉट लिखूं या ग्रेजुअली लिखूं? ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। कभी 50,000 मिलते हैं। आप एक बात सोचो, घर का पुराना सोफा बेचना हो ना, वो भी एक दिन में नहीं बिक पाता। वो भी आप 4 कबाड़ी को दिखाते हो। एक आता कहता जी मैं तो लूंगा ही नहीं इसे। पहले वाला आता कहता 200 रुपये दूंगा, आप कहते हो भाग जाए यहां से। होता है या नहीं होता? तो बिल्डिंग एक दिन में कैसे बिक जाएगी? डेटर आपकी बात कैसे मान लेंगे? क्या हो गया? क्या हुआ है? बार्टर सिस्टम क्या हो रहा है? दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है? This concept is based upon the fact that the assets of the firm realized gradually। अब अगर gradually realize होगा तो हमारे ऐसे मतलब पर आप स्टार लगा ही रहे, हमारे अकाउंटेंट के पास प्रॉब्लम क्या आएगी? Now the question which arises in front of
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन फ्रंट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ द फर्म. Is now the question which arises in front of the accountant of the firm is how he should distribute. The partner को पैसा निकालना है अपना business से, पर पैसा एकदम से सारा available थोड़ी ना है, थोड़ा थोड़ा available है, पर वो थोड़ा थोड़ा बटेगा कैसे, है कि नहीं? सिंगल शॉट एक ही दिन पे सारी एसेट रियलाइज हो जाए फिर तो दिक्कत ही नहीं है, सारा पैसा आ गया, जिसका जितना बनता दे दो. लेकिन मेरे पास पड़े 5,000 हैं, पार्टनर्स को मिला के 6,00,000 देने हैं, तो ये 5,000 भी तो कैसे बांटूं? क्या मैं सारा पैसा रिकवर होने का वेट करूं? नहीं, पार्टनर कहते हैं भाई बांट इसको जैसे मर्जी बांट, लेकिन बांट तो सही. बात समझ में आ रही है? नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेज इन फ्रंट ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म is how he should distribute the cash available. Cash available. अच्छा, cash available हम किसको बोल रहे हैं? जो पैसा मिला या जो पैसा बचा. Cash available का मतलब, एक मिनट ऐसे लिख लो, cash available का मतलब amount available. Amount available after payment of amount available after payment of realization after payment of realization expenses and outside liability. जो आपकी पहले आउटसाइड की लाइबिलिटीज चल रही हैं, उसे तो पे करो. मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड किस झगड़े को सॉल्व करता है? पार्टनर को जो पैसा मिलना है वो कैसे बटेगा. अमाउंट अवेलेबल हम किसको कह रहे हैं? जो पैसा बच गया किसकी पेमेंट के बाद? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज. बात समझ में आई? और ये पैसा किन के बीच में बटेगा? अमंग द पार्टनर्स. हाउ ही शुड डिस्ट्रीब्यूट द कैश अवेलेबल अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम To resolve this problem, we have two alternatives, namely, क्या alternatives available हैं जी अपने पास? पहला method, maximum लॉस मेथड, और दूसरा मेथड सरप्लस कैपिटल मेथड. सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है जी? यहां तक किसी को कोई डाउट? एक बार रीड करके देख लो, कहीं कोई परेशानी है तो बता दो मेरे को. वो कहते हैं जी जो फर्म की एसेट्स हैं वो कैसे रियलाइज होती हैं? ग्रेजुअली. अपनी रेफरेंस के लिए रजिस्टर में ग्रेजुअली के ब्रैकेट में लिख लेना, धीरे धीरे, ठीक है? तो अब जब धीरे धीरे पैसा आएगा तो एक क्वेश्चन अकाउंटेंट के दिमाग में ये अराइज हो जाता है कि जो बचा हुआ पैसा है, कैश अवेलेबल जो है, कैश अवेलेबल का मतलब अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड आउटसाइड लायबिलिटी, जो भी बचा वो पार्टनर में कैसे बांटें. इस समस्या को खत्म करने के लिए
हमारे पास दो तरह के मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम कौन सा मेथड देखेंगे, मैक्सिमम लॉस में, ठीक है। हेडिंग बनाओ। अब यहां से आपको कहानी समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था कि मैक्सिमम लॉस मेथड में काम कैसे करेगा अकाउंटेंट। मैक्सिमम लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, लिखो जी। हमने बोला कैलकुलेट, कैलकुलेट अमाउंट अवेलेबल, कैलकुलेट अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स, फॉर पार्टनर्स आफ्टर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड आउटसाइड आउटसाइड लाइबिलिटी। पहले तो आप ये निकालो ना अकाउंटेंट जी कि आपके पास पैसा है कितना पार्टनर्स के लिए, 5,000 है, 25,000 है, 50,000 है, फिर तो सोचेंगे ना कि इसको कैसे बांटना है पार्टनर्स के बीच में, और वो अमाउंट कैसे पहुंचोगे आप उस फिगर पे कि जितना आया पहले, सबसे पहले क्या जिम्मेवारी है, रियलाइजेशन पे करो, फिर क्या जिम्मेवारी है, लाइबिलिटी पे करो, अगर फिर कुछ बच गया तो उस अमाउंट का झगड़ा है ना। बात समझ में आई या नहीं है? पहला स्टेप क्या हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहला स्टेप क्या हुआ, पार्टनर के लिए कितना पैसा है आपके पास जिसका झगड़ा है। बात समझ में आई? आगे, हाँ लिख सकते, मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूं, वो इसलिए ऐसी चीज क्यों, ऐसे क्यों बना देता हूं, उसका रीजन है, जब अगर मेरा 2 दिन बाद पेपर है तो मेरे पास अकाउंट्स का रजिस्टर होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी पार्टनरशिप रिवाइज करता हूँ, ठीक है। एंड में कर रहे हैं हम ये चीज क्योंकि ये स्टार्टिंग में हो भी नहीं सकती थी, ये तो लास्ट में ही होगा। लास्ट में आते आते बच्चा ना थक जाता है कि अब और नहीं पढ़ रहा पार्टनरशिप में, 2 दिन बाद पेपर है, दूसरा टॉपिक खोल लिया, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर डिपार्टमेंटल, तो उसे अपने रजिस्टर के एंड में ना ऐसा कुछ नजर आता है, वो देखता है यार ये तो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कुछ, वो रीड करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो रीड एक बार कर लेगा तो अगर यहीं से क्वेश्चन आ गया तो याद तो रहेगा कम से कम, अगर ये सिंपल प्लेन लिटरेचर में लिखा होगा तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो स्किप कर जाए, इसको पता ही नहीं लगता, कई बार तो पेज पलटते पलटते पता ही लगता कहाँ कॉन्सेप्ट लिखा था। समझ रहे मेरी बात को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, बादल बादल सा लग रहा है ना। दूसरी चीज कैलकुलेट, सबसे पहले आपने ये निकाल लिया, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा इसमें, ठीक है, अभी तक शायद आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट ये बात समझ में आ गई होगी वैसे, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ समझाया नहीं है, ना मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। इधर देखना, कैलकुलेट, कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस और ये कैसे निकलता है जी, टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, टोटल अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स लेस अमाउंट अवेलेबल फॉर देम, नोट अज्यूम नो
फर्दर रियलाइजेशन, नो फर्दर रियलाइजेशन इज पॉसिबल. मुझे नहीं पता क्या लिख दिया, बस लिख दिया ना, अब तो लिख रहे हैं. हाँ जी, ऐसा कुछ अगर बना होगा रजिस्टर में तो इंटरेस्टिंग सा लगेगा. मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं, आप मेरे साथ एक क्वेश्चन कर लोगे ना, जब इसका भी 5 मिनट बाद जब ये शुरू होगा क्वेश्चन, उसके बाद आप ये पूरा चार्ट पढ़ लेना, आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा इसके अंदर जो ना समझ में आ जाए अपने आप ही. आपको याद होगा मैंने इंसॉल्वेंसी कैसे करवाया था आपको, एक अमाउंट लिखा, वो क्यों लिखा, स्टेप लिखवा दिया, तो आपको इंसॉल्वेंसी क्लियर हो गई थी. वो अलग बात है आपने दोबारा उस पेज को खोला ही नहीं घर पे. बोलो, हाँ जी, ये लिख लिया हमने. इसके बाद आगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए हम ऐसे लिख. अब आओ जी, अभी तो हमें इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, मैक्सिमम लॉस क्या होता है हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता. बोलो जी, आगे लिखो. डिस्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम लॉस, नोट करो ना, डिस्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम लॉस एज कैलकुलेटेड अबव. डिस्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम लॉस एज कैलकुलेटेड अबव अमंग द पार्टनर्स. Among the partner in their profit sharing ratio. लो जी, अब सबसे बढ़िया स्टेप इसके अंदर जो हर स्टूडेंट एग्जाम में भूल जाता है, लिखो. चेक द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ partners comma if the balance of any partner is found negative. ये है वो point जिसकी वजह से बच्चा कहता है मैंने नहीं करनी पार्टनरशिप. और मैं कहता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ना इजी इजी चीज पढ़ा के ना मजा नहीं आता, मैं आपको बताऊं. डिफिकल्ट चीज को इजी बनाओ, वो है आपकी स्ट्रेंथ. जब इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है और बच्चा छोड़ आता है ना, आपका सारा पेपर सही है, इसका क्वेश्चन छोड़ दिया, आपकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है एग्जामिनर के हाथ में. क्या एग्जामिनर कहता है जी बच्चे ने ना वो चीज़ नहीं की जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो थोड़ी सी ना अच्छी नॉलेज रखता है इस चीज़. फिर आपको ना प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, एक जनरल नॉलेज है, समझ रहे हो मेरी बात को. चेक द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर इफ द बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर इज फाउंड नेगेटिव
देन सच, देन सच नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी एंड इट इज it is deal as per the rule of Gardner versus Murray, that is distribute such negative balance among solvent partners in their capital ratio. Gardner versus Murray में capital ratio लगती थी, याद होगा आपको, इसको खूब हाईलाइट कर लेना, कैपिटल रेशियो। एक बार मैं दिखा देता हूं दोबारा, बनाओ जी बादल, अभी समझाया कुछ नहीं है, और इस बादल के ऊपर टिक लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि यही स्टेप ऐसा है जो आप भूल जाते हो। ये नोट हो गया आपका, बोलो आगे। कहते हैं जी नाउ डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल कैश, now distribute the available cash accordingly and repeat the process till final ya last रियलाइजेशन। लो जी मैक्सिमम लॉस खत्म। आप नोट कर लो, मैं करवा देता हूं। बताओ जी, ये लो, आप नोट करो आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। अब बताओ अगर ये ऐसा बना होगा कॉपी में तो शायद पढ़ने का मन कर ही जाए। लेकिन अगर ये सिंपल लिखा होगा तो नजर भी नहीं आएगा फिर कॉपी में। समझा दूं हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स नोट हो गया।
मुझे ना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़ी सही लगते हैं, क्योंकि वो हर कोई कर नहीं पाता। पेपर यहीं से बनना चाहिए, यहाँ से बनाओ, इनसॉल्वेंसी से बनाओ, है ना। आई थिंक इस चार्ट के बाद आपको समझ में आ रहा होगा रिजल्ट कम क्यों है। आ रहा है आपके वो हरिद्वार वाले दोस्त जो हैं उनके साथ शेयर करना, ये मत बोला करो फेल हो गया, ये बोला करो इस बार भी पास नहीं पाया। वो तो दिख रहा आपका दुख, कितना दुख दिख रहा है इनके, कितने लोगों को दुख दिख रहा है इनके चेहरे पे। मुझे तो एक खुशी दिख रही है कि दोस्त होगा साथ में जाने के लिए। कितने लोगों को सच बताना इनके चेहरे पे दुख दिख रहा है। पर भरोसा जून का भी नहीं है। क्या कारण है कि बार बार फेल हो रहा है बच्चा? अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक स्टूडेंट का फोन आया, ये इंटर का स्टूडेंट, मई 19 से पेपर दे रहा है, मई 19 2019। कितने अटेम्प्ट हो गए, सीरीज चल रही है उसके साथ आराम से, और अभी भी नवंबर में अटेम्प्ट है। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। इतने अटेम्प्ट के बाद भी अगर आप ये कहो मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो आपने फिर अटेम्प्ट कैसे लगाए हैं भाई? चलो एक अटेम्प्ट में बच्चा फेल हुआ कि जी टीचर के एंड से कोर्स हो गया था, मैं रिवाइज नहीं कर पाया। चलो जो आप रिवाइज नहीं कर पाए थे अगले अटेम्प्ट तक तो कर लिया होगा, अमेंडमेंट आ गई उसके बाद रिवाइज कर लिया होगा। दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट फेल लगते हैं, लेकिन अगर 19 से अभी तक और अभी भी यही प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने उसको उसका रिजल्ट नहीं बताया नवंबर का, और अभी तक मैक्सिमम स्कोर 45 मार्क्स किया है। तो, नहीं नहीं सिंगल पेपर का इतना भी बुरा हाल नहीं है, 45 मार्क्स। मैं उससे यही पूछ रहा था फोन पे, और कैसे चैप्टर में दिक्कत है हैरान रह जाओगे। वहां पे एक चैप्टर है कैश फ्लो, 12th लेवल पे भी पढ़ते हो आप, हाँ कैश फ्लो में दिक्कत है। याद करना ही तो नहीं था, समझना था भाई। आओ जी कोई बात नहीं, ब्रेक हो गई आपकी, मैं ब्रेक ही दे रहा था आपको, आई होप मैंने ब्रेक दे दी है। तो वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। मजाक ही तो चल रहा है हैं यार, इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है दोस्त, हम ही नहीं पढ़ते। हम तो बचपन से ही दूसरों को दोष देते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निकाल लीजिए, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 371 पे है। लो जी आनंद जी को मॉड्यूल याद होना शुरू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अब की बार जमुना पार। कहां गया 371? ये है क्वेश्चन मेरे ख्याल से। लो जी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। उसके बाद 37, उसके बाद हम वो क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन हम कर लें, सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमने जो नोट्स बनाए हैं वो रीड कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से मेरा समझाने वाला कोई भी पार्ट बचेगा नहीं MPL में, MLP में, मैक्सिमम क्लॉज में, MLM में। बात समझ में आई? पढ़े जी क्वेश्चन, पढ़ लें एक बार। हाँ जी पानी पीना है तो 10 सेकंड की ब्रेक है, पानी पी लो,
क्योंकि आपकी अटेंशन चाहिएगी इस क्वेश्चन में पूरे पूरे। बताओ जी, आओ जी। कहते हैं राहुल रोहन रोशन सॉरी राहुल रोशन और रोहन आर 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 हाहाकार वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 दिस इज द पीएसआर रिस्पेक्टिवली द पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व्ड कब डिसॉल्व कर ली हमने 30 जून 2021 को तो क्या सारी एसेट्स 30 जून को ही पैसे देने शुरू कर देंगी नहीं व्हेन द पोजीशन वाज एज फॉलोस क्या पोजीशन थी आपको 30 जून की बैलेंस शीट दी हुई है 30 जून की बैलेंस शीट दी हुई है जी आपको कहते कैश इन हैंड 28,000 डेटर 294 उसके बाद स्टॉक 112,000 और कैपिटल दी हुई है तीनों की और क्रेडिटर दिए हुए 210,000 के कोई भी पैसा प्राप्त होगा तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा क्रेडिटर या अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है ठीक है उसके बाद अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स में बांटते चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात को और ध्यान से समझना कहते देयर वाज अ बिल फॉर 10,000 ड्यू ऑन 30 नवंबर 2021 एक बिल है जो कि कब ड्यू हो रहा है अंडर डिस्काउंट हमने उसको क्या कर दिया डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था आपने बचपन में आपके पास कोई 10,000 रुपए का बिल था आपने बैंक से जाके उसको क्या करा दिया डिस्काउंट आपने तो पैसे ले लिए होंगे बोलो आपने तो पैसे आपने वर्ड सुना है ड्रॉर ड्रॉई ड्रॉई कौन होता है जिसको ड्यू डेट पे पैसे देने होते हैं और ड्रॉअर कौन होता है जिसके पास बिल होता है वो बिल को डिस्काउंट करा जाता है बात समझ में मुझे एक बात बताओ मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा हूं ड्रॉई की बुक्स में ये बिल क्या कहलाता है बीपी और ड्रॉअर की बुक्स में ये बीआर कहलाता है मुझे बताओ इस कॉन्सेप्ट को देख के अभी आगे पढ़ना ही नहीं है आप ड्रॉअर हो या ड्रॉई हो कैसे क्योंकि सर नहीं नहीं क्योंकि सर अगर आप ड्रॉई होते तो ये 10,000 रुपए आपकी बैलेंस शीट में आ रहा होता बिल पेबल के नाम से आपकी लाइबिलिटी होता ना आप ड्रॉअर हो आपने बिल डिस्काउंट करा लिया इसका मतलब बीआर आपकी एसेट में आना चाहिए था लेकिन आप ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुके हो तो वो एसेट आपके यहां से जा चुकी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए बच्चे को ये नहीं समझ में आता हम ड्रॉ रहे हैं अगर हम ड्रॉई होते तो हमने पेमेंट कब करनी होती 30 नवंबर को तो 30 नवंबर तक ये बिल हमारी बैलेंस शीट में आता किस नाम से बीपी वो तो आज ही नहीं आ रहा इसका मतलब हम ड्रॉई है ही नहीं हम क्या है ड्रॉअर तो सर हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए एज बीआर एसेट में पर क्योंकि डिस्काउंट हो गया तो इसलिए वो हमारी बैलेंस शीट में भी नहीं आ रहा अच्छा मुझे एक बात बताओ आपको ये पोजीशन क्लियर हो गई कि हम इसमें क्या है इस ट्रांजेक्शन में ड्रॉअर है और हमने इस बिल को क्या करा रखा है डिस्काउंट ये बिल आज किसके पास पड़ा होगा बैंक के पास बैंक 30 नवंबर को किसके पास जाएगा ड्रॉई के पास अगर ड्रॉई डिफॉल्ट करता है तो बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा हमारी यानी कि क्या ये 10,000 रुपए मैं बोल सकता हूं कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गई या नहीं होगी हमारी अगर ये सिर्फ लाइबिलिटी होती तो ये बुक्स में आ रही होती जैसे क्रेडिटर लेकिन ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है आज से कुछ क्लासेस पहले एक बात हुई थी कंटीजेंट लाइबिलिटी पे कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है एक ऐसी लाइबिलिटी जो अभी आपके ऊपर है नहीं लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी वो कंडीशन क्या है इफ द ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल देन हु विल पे ड्रॉअर मेरे को ये 10,000 कब देने पड़ेंगे अगर ड्रॉई डिफॉल्ट करता है तो आगे चल के क्वेश्चन मुझे बताएगा ड्रॉई ने डिफॉल्ट किया या नहीं करा अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया होगा तो जो भी रिकवरी एसेट से हो रही होगी मुझे किसको पे करनी पड़ेगी पहले द
10,000 बैंक को करने पड़ेंगे। अगर ड्रॉई ने डिफॉल्ट नहीं किया तो ये 10 जो मेरे पास पैसे रिकवर होंगे मैं किसको दे दूंगा? पार्टनर को। मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या हमारे ऊपर तलवार लटक रही है? बिल्कुल लटक रही है। अगर 30 नवंबर को आगे चल के क्वेश्चन ये कह दे कि जो ड्रॉई था उसने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक के पैसे नहीं दिए, और अगर मान लो 30 नवंबर को आपकी कोई एसेट रिकवर हुई है, तो आप पहले 10,000 किसको चुकाओगे? क्योंकि आपकी लायबिलिटी जो आज तक कंटिजेंट थी वो कंफर्म हो जाएगी, तो पहले किसको चुकाओगे? लेकिन अगर उसने ऑनर कर दिया बिल को, यानी कि बैंक को पेमेंट दे दी, तो फिर आप जो भी एसेट रियलाइज करके लाए हो किसमें बांट दोगे? बात समझ में आई यार? इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझ में आया? कुछ नहीं है। अगर लायबिलिटी है या नहीं है इसकी कंफर्मेशन कब होगी? 30 नवंबर तक। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है, आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है, आज आप 30 जून पे खड़े हो, इधर देखना, आज आप क्या खड़े हो, 30 जून पे, आपको इस लायबिलिटी की कंफर्मेशन कब होगी? 30 नवंबर। आज आप फॉर्म बंद कर रहे हो, जो भी एसेट आज बिकती है ना, सबसे पहले एक काम करो, 10,000 रुपया रिजर्व कर लो, किसके लिए? इस बैंक के लिए। कब तक रिजर्व करके रखो? जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी। आज 30 जून को कोई एसेट बेच रहे हो, इसमें से 10,000 रुपया रोक लो, रिजर्व कर लो कि भाई 30 नवंबर को अगर ड्रॉई ने डिफॉल्ट कर दिया तो ये पैसा किसको दे देना है, अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया होगा तो ये पैसा किसको दे देंगे हम? बात समझ में आई या नहीं आई? कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है? बात समझ नहीं कि जो पैसा आपको रिकवर हो रहा है आप कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए वो पैसा रोक लो। अगर आपको भरना पड़ गया तो ठीक है, नहीं भरना पड़ा तो ये भी तो पार्टनर का है, बांट देना। बात समझ में आ रही है? देखते हैं। कहते हैं इट वॉज एग्रीड दैट द नेट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्यू ऑर्डर क्या होता है? ड्यू ऑर्डर क्या होता है? पहले मालिकों का पैसा रिफंड होगा या पहले लायबिलिटी का? तो ऑर्डर क्या हुआ, पहले किसको पे करेंगे? लायबिलिटीज को, और बाकी कुछ बचेगा तो ऑनर्स को, और एक अमाउंट 10,000 रिजर्व करके चलेंगे। उसका पता कब चलेगा? 30 नवंबर। अगर ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो वो 10,000 जो मेरे पास पड़े होंगे अकाउंटेंट के पास, वो चुपचाप बैंक को दे देंगे, और अगर उसने दे दिए तो ये 10,000 भी किसमें बढ़ जाएगा? लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बट एज सेफली एज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। द रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसिस वर एज अंडर, आराम से। 30 जून को हमने सोचा हम फर्म बंद करेंगे, एक महीने बाद क्या पोजीशन हुई? स्टॉक एंड डेटर से रियलाइजेशन हुई 84,000 की। स्टॉक एंड डेटर टोटल करो कितने के थे, 2,94 + 1,12। एक कैलकुलेटर दे दो मेरे को, एक कैलकुलेटर दे दो, एक कैलकुलेटर दे दो फटाफट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएंगे जी डेटर और स्टॉक कितने के थे हमारे पास टोटल? 2,94 ये डेटर थे और स्टॉक 1,12। मुझे बताओ 406,000 रुपए की आपकी संपत्ति थी, इसके अलावा तो शायद आपके पास 28,000 का कैश था, ये तो बाजार में नहीं बिकेगा ना। यानी कि रिकवरी वेट किसकी कर रहे थे आप, डेटर की और स्टॉक की? 30 जून को डेटर और स्टॉक मिलाकर के कितने के थे? 406,000। आपको सारे पैसे एकदम मिले स्टॉक डेटर से या अभी पार्ट पेमेंट मिली है? थोड़ा सा स्टॉक बिका होगा, थोड़े से डेटर कलेक्ट हुए होंगे, तो 84,000 रुपए की कलेक्शन हुई, लेकिन आपका इस मंथ में 7,000 रुपए रियलाइजेशन का खर्चा भी हो गया। कैसे हो गया? मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट किया होगा और उसको कहा होगा भाई मेरा स्टॉक बिकवा, स्टॉक बिकवाता जाएगा, तेरे को कमीशन देते जाएंगे। अगला स्टॉक बिकवाएगा ना, आपको सारे पैसे लाके नहीं देगा, अपनी कमीशन पहले ही काट लेगा। अब चेक करो, जुलाई के अंदर आपको 84,000 की रिकवरी हो रही है और 7,000 रुपए एजेंट काट लेगा उसी समय, तो आपकी नेट रिकवरी कितनी रह गई? 77,000।
क्लियर है या नहीं? बोलो जी, 77 रह गई या नहीं रह गई, जल्दी बताओ, बोलो, क्लियर है? हाँ जी, 77 रह गई, बोलो, आगे 31 अगस्त को क्या पोजीशन आई? 126 रियलाइज हुआ, लेकिन 5400 के क्या हो गए? खर्चे। 5400 के क्या हो गए? खर्चे। तो नेट रिकवरी कितनी हुई? 124600 या जो भी। तो आप कितना अमाउंट यूज कर पाओगे? 124600, क्योंकि एजेंट तो अपनी कमीशन काट काट के आपको पैसे देता रहेगा। ऐसे ही 30 सितंबर को, ऐसे ही 31 अक्टूबर को, ऐसे ही 30 नवंबर को, ऐसा ही कुछ हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है या नहीं, बताओ जी, क्लियर है, बोलो। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं, बोलो। ये आपको टेबल समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इससे? टेबल की इंटरप्रिटेशन बताओ क्या है। आपको एक महीने बाद 84000 मिले, 7000 का खर्चा हो गया, तो एजेंट आपको अपनी कमीशन काट के पैसे ला के देगा ना, लो जी स्टॉक बिका आपका, ये पैसे मैंने अपने रख लिए अपने, बोलो। हम उसको कह सकते हैं भाई अपने मत ले, वो कहेगा कैसी बात कर रहे हो, आपकी हेल्प कर रहा हूं, पहले तो मेरे पैसे दो, बोलो। ऐसे ही 31 अगस्त को 126 की रिकवरी, 5400 का खर्चा, 70 की रिकवरी कितने का खर्चा, 70 की रिकवरी 3500 का खर्चा, बोलो समझ में आ रही बात या नहीं। अब द स्टॉक वॉज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर वर रियलाइज, कहते 30 नवंबर तक सारा काम हमारा निपट गया। अब आप मुझे बताओ डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या थी? 30 जून, लेकिन रिकवरी एसेट की कितने महीनों में हो पाई? 3-4-5 महीनों में। यही तो कॉन्सेप्ट है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि फर्म के पास वन शॉट में सारी रिकवरी हो रही है या धीरे धीरे? मील खाने के लिए जो आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है या पीसीज में आ रहा है, और इस पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यही तो सवाल है। कहते हैं एंड द बैलेंस बीइंग इररिकवरेबल, अगर कोई बैलेंस बचा हुआ है डेटर के पास या स्टॉक में, कोई नहीं मिलना, इररिकवरेबल है वो। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जी, क्लियर है? आप मुझे बताओ आपके स्टॉक और डेटर कितने रुपए के थे? स्टॉक और डेटर कितने रुपए के थे, जल्दी बताओ ना। आप टोटल रिकवरी लिखो, रिकवरी का टोटल लगाना, कमीशन को छोड़ दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस छोड़ दो, इसका टोटल लगाना, इसका टोटल लगाना एक बार, 392500, 392500, इसका मतलब बैलेंस कितना भी रहता है, हैं? क्या वो रिकवर होगा या वो इररिकवरेबल है? बात समझ में आई, बैलेंस समझ में आया? The acceptor of the bill under discount, वो जो bill under discount चल रहा था ना, acceptor का मतलब drawee, कहते met the bill on due date, met का मतलब अगले ने इज्जत से पैसे दे दिए, तो इसका मतलब वो जो 10,000 आप रोक के चल रहे थे वो अब partners में बट सकते हैं। पेपर में सेम क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे उसने met की जगह क्या वर्ड लिख दिया, dishonor। क्वेश्चन इतना ही तो चेंज करना है इंस्टीट्यूट में, रिजल्ट एक मिनट में चेंज होता है। और बच्चा पता क्या कहेगा, मॉड्यूल से क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है, मेरा तो जी आंसर भी मैच हो गया था। बात समझ में ही, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लैंग्वेज मैच नहीं हो रही थी ना, तेरा तो आंसर मैच हो गया फिर भी रिजल्ट मैच नहीं हुआ क्योंकि लैंग्वेज मैच। आप एक बात सोचना, अगर यहाँ पे मैट की जगह डिसऑनर लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या वो 10,000 किसको देने पड़ रहे हैं, तो क्या पार्टनर में बटेंगे? तो इस लाइन का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा।
द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट डिसऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट। मेट को हटा के क्या करना है, सिर्फ अर्थ का अनर्थ हो गया। बोलो क्लियर है? यानी इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन आएंगे कहां से? बात समझ में आई? क्लियर है या नहीं? प्रिपेयर कहते हैं आप बनाओ स्टेटमेंट शोइंग दी पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे पैसा आ रहा है कैश अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड लगा लो, कौन सा मेथड लगा लो, मैक्सिमम लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे पता ही नहीं एमएलएम होता क्या, लेकिन हमें यह समझ में आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आज तक आप जो क्वेश्चन करते थे ये सारी रियलाइजेशन आपको सिंगल शॉर्ट अमाउंट दिया होता था कि जी 392,500 रिकवर हो गया। अरे भाई वो रिकवर एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा। बोलो ये धीरे धीरे पैसे मिल रहे हैं ना, थोड़ा सा स्टॉक बिका होगा, कुछ डेटर ने दिए होंगे, फिर थोड़ा स्टॉक बिका, फिर डेटर ने, स्टॉक एंड डेटर लिखे हैं ना, कैसे कैसे रिकवर हो रहे हैं, कंबाइंड वैल्यू है। जैसे 84,000 जुलाई में मिला तो थोड़ा सा हो सकता है स्टॉक बिकाओ 50,000 रुपये का, 34,000 डेटर से मिलाओ। बोलो जी क्लियर है या नहीं? मजा आ रहा है, आना चाहिए ना एग्जाम में, ये रिजल्ट गिरेगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, वरना काई की वैल्यू। बात समझ नहीं? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट एंड द पैकेजेस। एज द रिजल्ट डिक्रीजेस द पैकेजेस विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ओहो है, क्या करना होगा? न्यूटन का लॉ हो गया, रिजल्ट होना चाहिए लेस देन 1%। और वो जो 20 बच्चे पास हों, 200 बच्चे पास हों, हर एक स्टूडेंट के हाथ में पैकेज होना चाहिए 1 करोड़ पर एनम। फिर असली वर्थ समझ में आती है इंडस्ट्री को, प्रोफेशनल आदमी होती है नहीं होती। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट ही चेंज हो जाएगा कोर्स के। फिर आप अगर ऐसा हो ना कि रिजल्ट हो लेस देन 1%, मान लो सिर्फ 250 स्टूडेंट्स ही पास हुए और न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है जी ईच वन इज गेटिंग 1 CR पर एनम, अब बताओ आपके पढ़ने का स्टाइल चेंज होगा नहीं होगा? सोचने की, समझने की, क्लासेस करने की, पढ़ने की दिशा चेंज हो जाएगी तो दशा अपने आप चेंज हो जाएगी। ये है असली मोटिवेटिंग फैक्टर है या नहीं? मानते हो ना इस बात को? आओ जी करें। अच्छा मुझे एक चीज बता दो पहले आराम से, स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें ये क्लियर कट पता लगना चाहिए कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है वो कैसे कैसे बट रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैश का टुकड़ों में कैसे कैश को बांटा जा रहा है। बात समझ में आई? बोलो जी एक स्टेटमेंट बनाएंगे, आओ बनाते हैं। आप क्वेश्चन खोल के बैठना, ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आसान होता है, पता क्यों? ना कोई रियलाइजेशन है, ना कोई पार्टनर कैपिटल है, ना कोई बैंक अकाउंट है, कुछ भी नहीं है, ना कोई डेबिट है, ना कोई क्रेडिट है। बात समझ में आई? एक स्टेटमेंट है सिंपल, इधर देखना, साथ साथ बनाना चाहते हो साथ साथ बना लो, साथ साथ बनाना चाहते हो साथ साथ बना लो। क्वेश्चन नंबर 37, हेडिंग बनेगी क्या? स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और कौन सा मेथड लगा रहे हैं जल्दी बता दो आप। है जी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। सबसे ज्यादा आसान काम है ये, सबसे ज्यादा आसान काम है, अभी आपको बनाओगे तो समझ में आ जाएगा।
महंगाई है उस हिसाब से देख लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये 10 मार्क्स का आता है ना तो 12 ही मिनट लगने चाहिए, इतना इजी है। 12 से 13 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, क्वेश्चन हो जाता है सही। और मैं तो इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, जो चीज दुनिया छोड़ती है पेपर में वो आप सबसे पहले दिखाओ एग्जामिनर को, देखा मैं खतरों के खिलाड़ी, हमें बुला इंस्टीट्यूट नहीं। आओ जी एक हेडिंग बनाओ पर्टिकुलर्स। अब मुझे बताओ कितनी पार्टीज ऐसी हैं जिनको अकाउंटेंट ने पेमेंट करनी है, कौन कौन? पहले हैं क्रेडिटर्स, पहले क्या है क्रेडिटर्स, और फिर कौन कौन है? नाम उसी सीक्वेंस में बताना, राहुल, रोशन, और रोहन। यही पार्टीज हैं जिनको मैंने पैसे देने हैं। बोलो मुझे पहले बताओ इनका अमाउंट ड्यू कितना है, क्रेडिटर के कितने पैसे देने हैं आपने? 2-10। राहुल के कितने देने हैं? 1-40 और इसके 70 और शायद इसके 14,000। तो क्वेश्चन याद हो जाता है एक बार पढ़ने से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बड़े आगे बना लिया आपने? मैं वेट कर रहा हूं, यस कर देना तो मैं आगे बढ़ूंगा। ऑनलाइन वाले लोग जवाब नहीं दे रहे, कॉफी पी रहे हो? सेल्फ ब्रेक हो गई। हाँ जी, आओ जी मुझे बताओ बैलेंस शीट में देख के क्या आपके पास कोई कैश अवेलेबल है? बोलो 28,000 रुपये का कैश अवेलेबल है, सबसे पहले कौन सी पार्टी को दिया जाना चाहिए? सर एक 10,000 रुपये रिजर्व भी करने हैं, क्रेडिटर आपको रिजर्व करने देगा जब तक उसकी पूरी पेमेंट होगी। वो कहेगा जब आएगा दे देना, 30 नवंबर तो बहुत दूर है, पहले मेरा पैसा दो। मुझे बताओ कैश पेड टू क्रेडिटर्स, मैं कितना पैसा क्रेडिटर को इमीडिएट 30 जून को दे सकता हूँ ऑन 30 जून 21। एक पॉइंट ये बनाया मैंने, एक पॉइंट ये बनाया, कैश पेड टू क्रेडिटर ऑन 30 जून। मुझे जल्दी बता दो 30 जून को मैं तुरंत कितना पैसा दे सकता हूँ क्रेडिटर को? रिजर्व करने देगा वो 10,000। वो कहेगा वो लाइबिलिटी तो बहुत दूर है, मेरे तो अभी तो कितने के 28 की पेमेंट हो गई। ये कौन सा कैश आया 28 जो बैलेंस शीट में था? अब मुझे बताओ 30 जून को जब ये पेमेंट हो गई तो बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 21 को पार्टीज का बैलेंस कितना है? चेक करो, 210,000 में से 28,000 क्रेडिटर के दे चुके हो, 182,000। नो सर, नो क्यों कह रहे हो? अच्छा ब्रेक नहीं लिया, सॉरी। 182 इसके पेंडिंग। ये स्टेटमेंट कौन बना रहा है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को तो धर्म ही है, पैसे से घिरा रहता बेचारा वो।
बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आओ अब मुझे बताओ, क्या पहली रिकवरी 31 जुलाई को पॉसिबल है? यस, 31 जुलाई को 84,000 की पेमेंट आई पर 7,000 रुपए का रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, तो वो तो कट के पैसे मिलते हैं, वो तो इमीडिएट देने पड़ेंगे ब्रोकर को, कमीशन जिसको भी एजेंट है, तो कितना पैसा फर्म के पास अवेलेबल है? 70,000। आप मुझे बताओ, पेमेंट ऑन 31 जुलाई 2021, कितनी पेमेंट है आपके पास? 84,000 माइनस 7,000। अब मुझे बताओ, 10,000 रिजर्व करने थे 31 जुलाई को, क्रेडिटर मान जाएंगे रिजर्व के लिए? क्रेडिटर क्या कहेंगे? वो लायबिलिटी कब है आपकी? अभी तो पहले हमारे पैसे दो। तो ये 77,000 किसको जाएंगे बोलो? 1 अगस्त को सारी पार्टीज का बैलेंस निकालो। अच्छा एक और बात है, बैंक को मैं अपने यहां पार्टी क्यों नहीं दिखा रहा, जिस बैंक को मुझे 10,000 देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो कंटिजेंट है। आप चेक करो आराम से, इधर देखना सारे लोग देखो, मैंने बैंक का कॉलम नहीं बनाया ऊपर कि बैंक को 10,000 देने हैं। अरे भाई वो कंफर्म थोड़ी ना है, अभी उसकी कंफर्मेशन कब आएगी, तो मैं उसको पार्टी अभी कैसे बना लूं? ये बात समझ में आ रही है? बैलेंस निकालो, बैलेंस ऑन, बैलेंस एज ऑन कौन है बताओ? 1,821 कितना है? 1,05,000 और 1,40 और 70 और 14। नहीं आ रही बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? सर आपने MLM तो किया ही नहीं, पीस मिल तो किया ही नहीं। किसके साथ होता है पीस मिल? लाइबिलिटियों को तो पहले चुकाओ ना, जो फिर पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में कैसे बटेगा, इस बात से डील करते हैं MLM। बात समझ में? पहले तो बाहर वाली पार्टी को देंगे ना पूरा पैसा। अब मुझे बताओ 31 अगस्त को क्या पोजीशन आ रही है? मुझे बताओ, जुलाई की कहानी खत्म? जुलाई में जो रिकवरी हुई 70,000 की सारी किसको देनी पड़ी? क्रेडिटर को। अब मुझे बताओ अगस्त की पोजीशन क्या है? 1,26 की रिकवरी हो रही है एसेट से, माइनस 5,400 रुपए उन्होंने काट लिए। आपके पास 1,20,600 रुपए अवेलेबल है। बोलो, इधर देखना जल्दी बताओ कितना अवेलेबल है। मैं यहां लिख देता हूं अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल ऑन 31, बताओ जी कितना कितना अवेलेबल है। अच्छा क्या मैं यहां लिख दूं अमाउंट अवेलेबल ऑन 31/8/21 फॉर पार्टनर्स? मेरे पास पार्टनर्स के लिए कितना पैसा अवेलेबल है? सर 1,26 की रिकवरी हुई, जिसमें से 5,400 वो ले गए, बोलो रियलाइजेशन वाले। 1,05,000 किसको दोगे? क्रेडिटर को। लो दो इसे, 1,05,000 दे देंगे अभी लिख देंगे। एक बार इधर देखना, आप मुझे बताओ 1,26 में से कितना रियलाइजेशन का खर्चा हुआ? 5,400। कितने क्रेडिटर को दे दिए? कितने पैसे बचे हुए? अब 15,600 अकाउंटेंट के पास है। अब 15,600 अकाउंटेंट पार्टनर्स में बांटेगा या 10,000 रिजर्व करेगा? 10,000 रिजर्व करेगा। तो ये लो 10,000 रिजर्व कर दिया। बात समझ में आई? ये 10,000 रिजर्व किसके लिए करा? वो जो बिल 30 नवंबर में लटक रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि अब क्रेडिटर को तो पूरी पेमेंट हो गई। तो अमाउंट अवेलेबल कितना आ गया जल्दी बताओ? कितना? 5,600। आपको समझ में आई कहानी? तो इसका मतलब अब मैं यहां लिख सकता हूं पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको 1,05,000 की क्या हो गई? पेमेंट। बात समझ में आई? और 31/8 को हमारे पास 5,600 रुपए किसके लिए हैं? कितने लोगों को यह बात समझ में आई पहले तो?
अगस्त के महीने में रिकवरी कितनी हुई एसेट से? 126 में से 5400 रियलाइजेशन का खर्चा हो गया, तो 120600 बचा। 120600 में से हमने पहली पेमेंट किसको कर दी? क्रेडिटर को। तो कितना बचा? 15600। अब सिर्फ पार्टनर को पैसे देने थे, लेकिन एक तलवार लटक रही थी, तो पहले उस तलवार के लिए रिजर्व कर लेंगे पैसा 10,000। तो बचा कितना? 5,000। अब यहां से जंग शुरू होती है कि ये 5,600 जो पार्टनर्स के लिए बचा है, अब अकाउंटेंट ने इस ड्रॉर में 10,000 रुपए रख लिए किसके लिए? वो जो बिल अंडर डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन अब पार्टनर के लिए कितने पैसे पड़े हुए हैं? 5,600। अब लड़ाई यहां से शुरू होती है कि ये 5,600 रुपए इनमें बटेंगे कैसे। बात समझ में आई? ये 5,600 रुपए इनमें बटेंगे कैसे? अब देखना, मैं आपको समझाता हूं। इधर देखना, आपको ये 5,600 की कैलकुलेशन समझ में आई? ये 5,600 क्या है? इट इज द अमाउंट विच इज अवेलेबल ऑन 31 अगस्त 2021 विद द अकाउंटेंट फॉर द पार्टनर आफ्टर प्रोवाइडिंग 10,000 फॉर बिल अंडर डिस्काउंट। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही बात? अब इसको लेकर के ही तो झगड़ा है कि हाउ दिस अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी। अब एक बात बताओ, पार्टनर का कितना पैसा देना है? 140, 170 और 14, यही देना है? जिसका 140 देना है वो कहेगा जी ये 5,600 मुझे दो सबसे पहले, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा फंसा हुआ है अभी पैसा। बोलो है या नहीं है? झगड़ा हो सकता है पार्टनर में या नहीं? तो हमारा MLM मेथड क्या कहता है सुनना, हमारा MLM मेथड क्या कहता है? इस 5,600 को बांटना है ना, देखो वो 10,000 तो रख दिए, अब ये 30 नवंबर को पता लगेगा यह ड्रॉर खोल के कि भैया ये 10,000 या तो बैंक को चले जाएंगे, अगर ड्रॉई ने दे दिए होंगे तो फिर ये 10,000 किसको चले जाएंगे? पार्टनर को। लेकिन इसको अब मैं 30 नवंबर से पहले नहीं छेड़ सकता। अब 5,600 की बात हो रही है, MLM मेथड कहता है ये जो 5,600 तुम्हारे पास पड़े हैं ना, और तुमने कितने लोगों का अभी पैसा देना है? 3 लोगों का, 3 पार्टनर के पैसे देना है, क्रेडिटर के तो देखो पूरे पैसे हो गए। 3 लोगों का टोटल पैसा कितना देना है? सर 140 प्लस 70 और प्लस 14,000, 224 तुमने देने हैं। अकाउंटेंट को बोल रहे हैं, अकाउंटेंट तूने 3 लोगों का मिलाकर के कितना देना है? बोलो तेरे पास अवेलेबल कितना है माइनस कर, तो तेरे पास अवेलेबल कितना नहीं है? 218। तू ये मान के चल कि ये जो 5,600 31 अगस्त को तेरे पास है, इसके बाद कोई भी रिकवरी अब नहीं होगी। तू ये मान के चल कि जो तेरे पास आज पार्टनर के लिए अवेलेबल है, इसके बाद तेरे पास कोई रिकवरी नहीं होगी। आप मेरी बात को समझना, आप तो क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैठो, आप 31 अगस्त पे खड़े हो, क्या आपको 31 अगस्त को यह पता है 30 सितंबर को रिकवरी कितनी होगी? आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अब तो क्वेश्चन कर रहे हो तो इसलिए आपने पढ़ लिया कि 30 नवंबर को ये हुआ या 30 सितंबर को ये हुआ, लेकिन आप प्रैक्टिकली फॉर्म के अंदर बैठे हो और आज कितनी तारीख है? 31 अगस्त। अभी 30 सितंबर आई नहीं तो आपको कैसे पता चल जाएगा अगले महीने के एंड में रिकवरी कितनी होगी? आप 31 अगस्त पे बैठे हो, आप फर्म के अकाउंटेंट हो, तो MLM मेथड आपको कहता है कि ये जो 5,600 आपके यहाँ टेबल पे पड़े हैं ना, इसके बाद कोई अमाउंट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद कोई अमाउंट नहीं आएगा, आप ये मान के चलो ये लास्ट रिकवरी है। तो मुझे एक चीज बताओ, पार्टनर्स का कितना पैसा डूब गया 31 अगस्त को? पार्टनर्स को मिलना कितना चाहिए था? 140 प्लस 70 प्लस 14, कितना मिलना चाहिए था उनको फॉर्म बंद होने पे? 224। आपके पास देने के लिए है कितना पार्टनर्स को? 5,600। तो कितना अमाउंट ऐसा है जो आप पार्टनर्स को नहीं दे पाओगे आज 31 अगस्त है? दिस इज द मैक्सिमम लॉस, दिस इज द, हां अभी आगे रिकवरी होगी लेकिन ये मैक्सिमम लॉस है। अब जो भी रिकवरी होगी उससे ये लॉस कम होता चला जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? हम क्या कह रहे हैं फर्म के अकाउंटेंट को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 31 अगस्त को फर्म का अकाउंटेंट क्या सोच रहा है? मेरे पास पैसे लायबिलिटी टू पे मेरी कितनी है? 224। मैं पे करने के लिए कितना रेडी हूं? 5,600। मैं कितना पे नहीं कर सकता?
2018 आज की डेट में अगर फर्म को और कुछ रिकवरी ना हो तो इसका मतलब 2018-400 का पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, लॉस। दिस इज द मैक्सिमम। आगे अगर एक रुपए की रिकवरी भी होती है तो ये 2018-400 2018-399 रह जाएगा। मैक्सिमम लॉस समझ में आ रहा है? मैक्सिमम लॉस मैं कैसे निकाल रहा हूं? टोटल अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स लेस अमाउंट अवेलेबल। तो 2024 इज द टोटल अमाउंट विच इज ड्यू टू पार्टनर लेस अमाउंट अवेलेबल, कितना? 5600। तो 2018-400 क्या है चेक करो, जो आप डायग्राम बना रहे थे उसमें मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन आपने क्या लिखी है? टोटल अमाउंट ड्यू टू पार्टनर 2024 माइनस अमाउंट अवेलेबल 5600, तो ये 2018-400 क्या आ गया? मैक्सिमम लॉस। इधर देखना, मुझे बता सकते हो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? मैक्सिमम लॉस टू पार्टनर्स कितना हो रहा है? कैसे आया ये सर? 2024 टोटल देना इनका, आज 5600 है हमारे पास, तो कितना लॉस हो गया? 2018-400। ये ए को लॉस हुआ, बी को, सी को, या सबको? सबको। ये फर्म का लॉस है, बोलो ये फर्म का लॉस है, इसको पीएसआर में बांट दो। ये सबको लॉस हो गया ना, ये फर्म का लॉस है या नहीं है? एक बात बताओ, हमने सबका मिलाकर के पार्टनर्स का कितना पैसा देना था? 2024 हम कितना दे पाएंगे इनको? 5600। कितना इन लोगों को नहीं दे पाएंगे? 2018-400। क्या ये 2018-400 रोहन का, रोशन का, राहुल का लॉस है या तीनों का है? अगर इन तीनों को कोई भी लॉस होता था तो ये कैसे बांटते थे पीएसआर में? इस 2018-400 को कैसे बांट दो पीएसआर में? बांटो। एक मिनट देख लेते हैं, मुझे बताओ मैक्सिमम लॉस टू पार्टनर 2018-400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, बांटना जरा। ये तो खत्म हो गया, क्रेडिटर तो खत्म हो गए ना, बांटो कितना आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहां बैलेंसेस निकाले, अमाउंट अवेलेबल निकाल लिया 5600, उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर कर दी, उसके बाद मैक्सिमम लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी बताओ कितना जाना है। हाँ जी वन, हाँ ये लॉस हो गया। लॉस होने से ये इनकी कैपिटल है, जब जब लॉस होता है पार्टनर को कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? कम कर दी, लेस कर दी मैंने, 140 कैपिटल थी, बोलो कम कर दी, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी ना। ओहो 3-2-1 में बांटो, दूसरे का क्या आ रहा है 72-800, और तीसरे का क्या आ रहा है 36, यही आ रहा है, बोलो। अब आप अमाउंट निकालना कितने कितने हैं इसका, 2-2800 नेगेटिव, और इसका नेगेटिव कितना आएगा 36400 लेस 14000, कितना आएगा 22400, बोलो नेगेटिव आएगा, बोलो। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बोलो आराम से, ये आपको समझ में आया क्या हुआ? 31 अगस्त को फर्म का पार्टनर, सॉरी अकाउंटेंट क्या सोच रहा है 31 अगस्त को? ये जो 5600 पड़े हैं मेरे पास, यही दे सकता हूं बस मैं, आगे 30 सितंबर को क्या रिकवरी होगी पता थोड़ी ना है, वो तो जब 30 सितंबर एक्चुअल आएगी तब देखेंगे। 31 अगस्त को वो कितना अमाउंट बांट सकता है पार्टनर को 5600, लेकिन कितना अमाउंट देना है उसने 2024, तो कितना अमाउंट ऐसा है जो पार्टनर्स का डूब जाएगा 2018-400, दिस इज द मैक्सिमम लॉस। और पार्टनर्स अपने बीच में लॉसेस को कैसे बांटते हैं पीएसआर में, रियलाइजेशन का लॉस कैसे बांट रहे थे पीएसआर में? रियलाइजेशन का लॉस क्या था? बिजनेस बंद करने की वजह से जो लॉस हो रहा है, तो 2024 अगर मुझे देना है मैं 5600 दे पाऊंगा, तो बंद करने की वजह से लॉस हो कितना रहा है 2018
400, ये 2,18 400 एक तरीके से बिजनेस का लॉस है, बिजनेस बंद करने की वजह से है, इसको किस में बांट दो? बात समझ में आई? अब मुझे बताओ पीएसआर में बांटने के बाद इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है? इंटरप्रिटेशन ये बन रही है कि अकाउंटेंट ने, ये आदमी कौन था, रोशन, रोशन के देने कितने थे 70 और रोशन को लॉस कितना हो गया 72,200, तो रोशन घर से कितने पैसे लेकर के आएगा? ये बात समझ में आ रही है आपको? इसकी इंटरप्रिटेशन समझो पहले, इन दो फिगर्स की इंटरप्रिटेशन समझो, इन दो फिगर्स की इंटरप्रिटेशन समझो। रोशन को अकाउंटेंट ने पैसे देने कितने थे, रोशन को लॉस का शेयर कितना है, रोशन घर से पैसे कितने लेके आएगा? बात समझ नहीं? क्या रोशन सचमुच में पैसे लाएगा या रोशन कहेगा भाई तू जो स्टेटमेंट बना रहा है बनाता रहे, लेकिन अभी तो एसेट पड़ी हुई है, धीरे धीरे रिकवर होंगी ना वो, ये मैं कब लाऊंगा, जब कंफर्म हो जाएगा कि अब कोई एसेट रिकवर नहीं हो रही, लेकिन होंगी ना, ये तो हमें पता है, यस और नो? अब मुझे बताओ ये 2,800 वो लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन समझो, अकाउंटेंट ने इसका कितना पैसा देना है 14, इसको लॉस कितना हो गया, अभी तो रिकवरी पेंडिंग है, इसके ये कितने लेके आएगा घर से, ये लेकर आएगा या कहेगा, क्या कहेगा, रिकवरी पेंडिंग है, मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हो, अभी फाइनल रिकवरी हुई थोड़ी ना। बात समझ में आई या नहीं आई? अब MLM मेथड कहता है इस नेगेटिव बैलेंस को आप ऐसे मानो, क्या ये आपको सचमुच में रोशन या राहुल ला करके दे रहे हैं या नहीं ला करके दे रहे हैं, आप ये मान के चलो कि ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। आप ये मान के चलो कि ये दोनों आदमी क्या हो गए, मना कर रहे हैं ना, एक मिनट दोबारा देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है ये। आपको अगर ये दो अमाउंट की इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई ना, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अकाउंटेंट रोशन को बुलाएगा, रोशन जी आपके 70,000 देने हैं, 31 अगस्त को खड़े हैं, रोशन को बुलाएगा, कितने पैसे देने जी आपके 70, आपको लॉस का शेयर कितना है 72,800, लाओ जी 2,800 रुपए दो फर्म को, बोलेगा नहीं बोलेगा? राहुल को बुलाया, रोहन को बुलाया, आपके कितने पैसे देने जी 14, आपको लॉस का शेयर कितना है 36,400, आप लाओ कितने पैसे दे दो। अगले क्या कहेंगे, भाई ये तेरी कैलकुलेशन है, अभी रिकवरी होनी है, डेटर से भी बात चल रही है, स्टॉक भी बिक सकता है, बचा हुआ है, हम किस बात के पैसे दें तेरे को? तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये रिकवरी होगी या नहीं होगी, एक्चुअली में ये रिकवरी होगी या नहीं होगी? ये रिकवरी 31 अगस्त को नहीं होगी, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है जी ये रिकवरी नहीं हुई ना, आप क्या मान लो ये जो दो पार्टनर हैं इनसे रिकवरी नहीं हुई ना, यानी कि आपका बैलेंस क्या चला गया नेगेटिव और वो रिकवर हो नहीं रहा, तो आप इन दोनों को क्या मान लो, इंसॉल्वेंट। और कौन सा रूल लगा दो, गार्नर वर्सेस मोरे, यानी कि ये जो रिकवरी नहीं हुई, इस रिकवरी को इंसॉल्वेंसी में हम क्या बोल रहे थे, डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर, और वो भी किस रेशो में, कैपिटल की रेशो में। अगर दो पार्टनर सॉल्वेंट होंगे, मान लो एक मिनट के लिए मान लो ये आदमी भी सॉल्वेंट होता, तो ये जो 2,800 का लॉस है, ये आदमी और ये आदमी दोनों शेयर करते किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। लेकिन अब सॉल्वेंट एक है या दो है, एक आदमी सॉल्वेंट है, बाकी दो तो निकम्मे है, अब ये सारा का सारा लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? बात समझ में? तो इधर देखना, हमने बोला, इधर देखना ध्यान से, डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय, किसको करनी पड़ रही है, राहुल। कितनी डेफिशिएंसी है, कितने पैसे अकाउंटेंट को नहीं मिल रहे, 2,800 भी नहीं मिल रहा उसको और 22,400 भी नहीं मिल रहा, कितना नहीं मिल रहा बोलो, 25,200 ये डेफिशिएंसी है, बोलो ये किसको भरनी पड़ेगी, अब निकालो अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इसका कितना आया, वही तो निकाल रहे हैं 5,600, इसका कितना आएगा, ये डेफिशिएंसी पूरी हो गई ना, ये डेफिशिएंसी किसने पूरी कर दी, 2,800 भर दिए उसने और 22,400 भी भर दिए इसने, नहीं आ रही बात समझ,
मतलब ये जो लॉस था ये किसकी कैपिटल से कट गया, बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका बैलेंस कितना हो गया नील, इसका बैलेंस कितना हो गया नील। ये एंट्री नहीं करते थे आप, जिसका नेगेटिव आ रहा है वो किसको भरना पड़ रहा है? तो अब बताओ इसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? नहीं आ रही बात समझ में, गुप्ता जी दोबारा देख लो। हाँ, कोई बात नहीं, यही तो मेन था। आराम से मैं दोबारा बोल देता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जो समझाना है अगर वही नहीं समझ में आया तो फिर, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं क्या, दुर्घटना से देर भली, बेटर टू बी डिलेड रादर देन एक्सीडेंट। बात समझ में आई? दोबारा 31 अगस्त को आप खड़े हो, अकाउंटेंट के पास कितने पैसे हैं? 5,600। तीनों पार्टनर्स का मिला के देना कितना है उसने? क्या सबको भुगतान कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो 2,24 में से कितने पैसे चुका सकता है? 5,600। इसका मतलब पार्टनर्स का अगर पैसा डूबेगा तो कितना डूबेगा? 31 अगस्त को मान लो ये डूब गया, फर्दर रिकवरी पॉसिबल नहीं है, नो फर्दर रियलाइजेशन। मेथड का नाम क्या है? मैक्सिमम लॉस मेथड। हर रिकवरी के एंड में ये सोचो कि ये फाइनल रिकवरी है, इसके बाद कोई रिकवरी नहीं होगी। तो हर रिकवरी के टाइम पे पैसे दे कितने दे सकते हो पार्टनर को? 5,600 ये मान के चलो ये फाइनल पेमेंट है, इसके बाद कोई पेमेंट पार्टनर को नहीं कर पाओगे। तो 2,18,400 का लॉस है, ये एक का है या सबका है? तो ये बिजनेस बंद करने की वजह से लॉस हो गया, अकाउंटेंट ने हाथ जोड़ दिए जी और पैसे नहीं है। तो ये लॉस किस रेशो में बटेगा? PSR की रेशो में बटेगा, बांट दिया। बांटने के बाद ये देखा कि जी दो पार्टनर ऐसे हैं जिनका बनता कम था, उनको लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उनसे नॉर्मली 2,800 और 22,400 की क्या बनती है? रिकवरी। वो कह रहे हैं किस बात की रिकवरी? अभी तो स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी तो डेटर से बातचीत चल रही है, हम क्यों दे दें ये पैसे? अगर मान लो फर्दर रिकवरी ना हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है? फर्दर रिकवरी ना हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हमने रोशन के कितने पैसे देने थे? 70। रोशन को लॉस कितना हुआ? 72,800 का। तो रोशन को घर से कितने लाने चाहिए? 2,800। अगर फर्दर रिकवरी ना हो, लेकिन पार्टनर्स को तो आपस में पता है ना रिकवरी होगी, अब वो कितनी होगी वो नहीं पता, तो ये रिकवरी नहीं हो रही। रोशन ने पैसे देने से मना कर दिया, राहुल ने पैसे देने से मना कर दिया, जो भी थर्ड पार्टनर था। तो भैया इसको, ये जो पैसे के लिए मना कर रहे हैं, ये सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट है। क्या कि जी इसको आप क्या मान लो? इंसॉल्वेंसी लॉस, कि वो देने से लिए मना कर रहे हैं ना, तो इस लॉस को किसको शेयर करवा दो? सॉल्वेंट पार्टनर को। अभी इस मोमेंट पे 31 अगस्त को सॉल्वेंट कौन नजर आ रहा है? अब चेक करो किस किस का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। क्या हमें इनको कुछ देना है? नहीं। इनको कुछ देना है? नहीं। तो 5,600 किसको देना है? इसको एक्चुअली दे दो, इसको एक्चुअल में दे दो। तो आओ लिखते हैं पेमेंट टू फर्स्ट पार्टनर, कौन था? राहुल, ऑन 31 अगस्त 21। कितनी पेमेंट जा रही है राहुल को? 5,600। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बैलेंस एज ऑन 1/9/21 को बैलेंसेस बताओ। 1/8 को राहुल का बैलेंस कितना था? 1/8 को राहुल का बैलेंस कितना था? 1,40। 1,40 में से आपने 31 अगस्त को उसको पैसे कितने दे दिए एक्चुअली? 5,600। तो मुझे बताओ 1/9 को उसका जेन्युइन बैलेंस कितना है? 1,40 - 5,600 1,34,400 बोलो। दूसरे पार्टनर का चेक करो, 1 अगस्त को बैलेंस कितना था? क्या आपने 31 अगस्त को उसको जेन्युइनली कोई पैसे दिए हैं? नहीं। तो उसका आज भी बैलेंस कितना है? तीसरे पार्टनर का 1 अगस्त को बैलेंस कितना था? 14। क्या आपने अगस्त एंड में उसको कोई पैसे दिए हैं? नहीं। तो उसका आज भी बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। ये वाले दो स्टेप आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, और पहला स्टेप तो बड़ा लॉजिकल है कि आप ये मान के चलो
कि आगे रिकवरी नहीं होनी, तो बाकी का पैसा डूब गया। बोलो, अभी आपको ना ये इलॉजिकल सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन खत्म होगा ना, मैं इसमें लॉजिक प्रूव कर दूंगा आपको, क्योंकि जब फिगर सामने होगी। ये समझ में आई कहानी? बोलो, कोई बात नहीं। अब इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करो। अब 31 अगस्त के बाद हम कहां आ गए? 30 सितंबर। हमारे ड्रॉअर में अभी भी कितने पैसे पड़े होंगे, याद करो, 10,000। 30 सितंबर को एसेट से रिकवरी कितनी हुई? 70। 4,900 मुझे हाथ की हाथ पे करना पड़ गया। तो मुझे बताओ, मेरे पास पार्टनर्स के लिए कितना पैसा है? 65,000। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब हम 31 अगस्त से कहां आ गए? अब अकाउंटेंट ने देखा कि मेरे पास और पैसा आ गया बांटने के लिए, पीस मील, टुकड़ों में और पैसा आ गया। 70,000 आया था, फटाक से मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने पड़ गए, तो 65,100 किसके लिए बच गया? पार्टनर्स के लिए। क्या ये ड्रॉर खोल के 10,000 इसमें मिला सकता हूं? नहीं मिला सकता, क्योंकि अभी 30 सितंबर है, 30 नवंबर को पता चलेगा ये पैसे बैंक को देने हैं या पार्टनर को देने हैं। नहीं आ रही बात समझ में? मेरे ड्रॉर में कितने पैसे पड़े हैं और टेबल में कितने पड़े हैं? 65,100। क्या ड्रॉर के पैसे टेबल वाले पैसों में मिला सकता हूं? नहीं मिला सकता, क्योंकि अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आज मैं 31 सितंबर को पार्टनर को कितना दे सकता हूं? इधर देखना, अमाउंट अवेलेबल ऑन 30 सितंबर, कितना अमाउंट अवेलेबल है जी आपके पास? सर, रिकवरी हुई थी 70 की और 4,900 के खर्चे हो गए, तो 65,100 रह गया। अब जंग किस बात की है 30 सितंबर को? ये 65,100 कैसे बटेगा? तो आओ दोबारा से क्या निकाल लो, मैक्सिमम लॉस। दोबारा से क्या निकाल लो, मैक्सिमम लॉस टू पार्टनर। मुझे बताओ, ये 65,100 को आप क्या मानोगे, लास्ट रिकवरी? इस 65,100 को क्या मानोगे, लास्ट रिकवरी, मैक्सिमम लॉस? मुझे बताना, आज पार्टनर्स का पैसा देना कितना है अब? सर, 1,34,400 प्लस 70,000, बोलो, प्लस 14,000, 2,18,400 देना है। लेकिन आज मैं कितना दे पाऊंगा, 65,100, तो कितना नहीं दे पाऊंगा, बोलो, 1,53,300 ऐसा अमाउंट है जो मैं नहीं दे पाऊंगा आज। तो इसको आप क्या मान लो, मैक्सिमम लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। बांटो जरा, कितना लॉस आ रहा है? 1,53,300 को बांट दो किसमें, 3:1 है ना, बोलो, बांटो, लॉस हो गया, कैपिटल कम हो जाएगी। आगे 600 यहां पे 76,650 बता रहा है स्टूडेंट हमारा। हाँ जी, आगे 50 पूरा 51,100। आगे ये हो गया। अब मुझे बताओ, लॉस बांटने के बाद इनका कितना पैसा बचा? अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना बचा जी, कितना बचा, जल्दी बताओ, 80, क्या आपने लॉस ठीक बांटा है? हाँ जी, कितना आ रहे है? 80 कुछ कह रहे थे ना, मैंने कहा कितना बता रहे हो, इसको लेस करो ना। ये देखो, 1,34,400 देना था अगले को, लॉस कितना हो रहा है अगले को,
57 750 बोलो, और इधर कितना आ रहा है 18, लेकिन ये 11 550 क्या है नेगेटिव। नेगेटिव की इंटरप्रिटेशन निकालो पहले। अब हमने लास्ट वाला पार्टनर कौन था, रोहन, रोहन के कितने पैसे देने हैं 14, रोहन को लॉस कितना हो रहा है, हम रोहन को क्या कह रहे हैं 11 550 ले आ। लाएगा ये कहेगा ये कोई जेन्युइन लॉस थोड़ी ना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे इंसॉल्वेंसी लॉस बोलो। और इंसॉल्वेंसी का लॉस किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। और चेक करो किस पार्टनर को शेयर करवाना है, सॉल्वेंट, जिनकी कैपिटल क्या है पॉजिटिव। इन दोनों की कैपिटल पॉजिटिव है, लेकिन इनकी कैपिटल की रेशो क्या है आपस में 2:1। तो यानी कि ये समझ में आया गुप्ता जी, 2:1 कैपिटल की रेशो। इधर देखना, यानी कि डेफिशिएंसी लॉस, डेफिशिएंसी लॉस टू बी बॉर्न बाय, जल्दी बोलो डेफिशिएंसी लॉस कितना है, पहले पार्टनर का नाम क्या है, राहुल एंड रोशन, किस रेशो में करेंगे वो 11,550 को 2:1। सर पीएसआर में क्यों नहीं, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी है, और इंसॉल्वेंसी का लॉस क्या होता है कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो 2:1 है 1:40 और 70, तो रेशो क्या बनी 2:1। बांटो जरा इस अमाउंट को, है 7677। यार 11,550 डिवाइड बाय 3 इंटू में 2, 1700 पूरा पूरा आ रहा है, 1700 पूरा पूरा आ रहा है। ये लॉस हो गया डेफिशिएंसी कितना है 3850, और ये लॉस हमने शेयर करवा दिया तो ये नक्की हो गया। ये यहां लिख दिया ना लॉस, यार ये जीरो हो जाएगा ना, बोलो अब आप क्या निकालो, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है जल्दी बताओ, 57,750 लेस लॉस हुआ, लॉस में शेयर, हाँ जी कितना आ रहा है 50,050 रुपये, और 18,900 कितना 15,050। आप दोनों इसका तो जीरो, अब इधर देखना, इधर देखो मैंने राहुल को कितने पैसे देने थे 1 सितंबर को, ये देने थे। अब मैंने 30 सितंबर को लॉस कैलकुलेट करा, उस लॉस में शेयर आ गया उसका, आराम से देखो ना, 1 सितंबर को राहुल को कितने पैसे देने थे 1,34,400। अगर आपको एक पार्टनर की कहानी भी समझ में आ गई ना, सबकी आ जाएगी, 1,34,400 क्या है, दिस इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय द फर्म टू द राहुल ऑन 1 सितंबर। बोलो अब अकाउंटेंट ने 30 तारीख को अकाउंटेंट के पास पैसे थे या पूरे पैसे नहीं थे, मैक्सिमम लॉस निकाला, मैक्सिमम लॉस को पीएसआर में बांट दिया, अभी भी राहुल के कितने पैसे देने बनते हैं, लेकिन राहुल को इंसॉल्वेंसी लॉस बियर करना पड़ा, अब राहुल के कितने पैसे देने बनते हैं, ऐसे ही इसके पैसे कितने देने बनते हैं, इसके पैसे कितने देने बनते हैं जीरो। आप इन दोनों का टोटल चेक करो 65,100 आएगा, और वही 65,100 तो है आज मेरे पास देने के लिए, नहीं आ रही बात समझ, 30 सितंबर को अभी तक कोई पेमेंट हुई है 65,100 की नहीं, तो यही तो फैसला करना है कि 65,100 में से इसका कितना और इसका कितना। तो मैंने क्या करा, मैं हर मंथ क्या कर रहा हूं, पहले निकाल रहा हूं मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस को क्या कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एज पर पीएसआर की, भैया अब और कोई रिकवरी नहीं होगी। उसके बाद चेक कर रहा हूं बैलेंस, अगर किसी का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो वो घर से पैसे तो लाएगा नहीं, वो कहेगा जी मेरे पास तो नहीं है, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी को ट्रीट करो एज पर गार्नर वर्सेस मोरे। उसके बाद निकालो बैलेंस, वो बैलेंस उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में पैसा अवेलेबल है,
पैसा बांट दो, नया बैलेंस निकालो, अगली बार फिर रिपीट कर दो। दो प्रोसेस, दो स्टेप हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम लॉस एवरी मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यस और नो। डिस्ट्रीब्यूट सच मैक्सिमम लॉस इन पीएसआर। अगर किसी पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है तो वो रिकवरी नहीं होगी, वो कहेगा मैं तो मेरे पास नहीं है पैसे। अप्लाई गार्नर वर्सेस मोरे, देन डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस। बात समझ में आ रही है? दो स्टेप हैं आगे। अब मुझे बताओ पेमेंट ऑन 30 सितंबर क्या पेमेंट होगी, इसको कितनी पेमेंट हो जाएगी और इसको कितनी पेमेंट हो जाएगी। क्या यही दोनों पेमेंट्स मेरे पास अवेलेबल थी या नहीं थी? इन दोनों का टोटल लगाओ 65,100 अवेलेबल था हमारे पास। नहीं आ रही बात समझ में? जब जब रिकवरी होगी दो स्टेप लगाएंगे। उस रिकवरी को क्या मान लोगे? लास्ट रिकवरी। मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें? पीएसआर में। अगर किसी पार्टनर से ऐसा ऐसी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि भाई इस पार्टनर से पैसे मंगाओ, अगला लाएगा थोड़ी ना, अगला कहेगा अभी तो एसेट पड़ी हुई है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिकवरी को, पार्टनर की रिकवरी को क्या मान लोगे? इंसॉल्वेंसी। और उसको कैसे सॉल्व करोगे? गार्नर वर्सेस मोरे। आगे मुझे एक बात बताओ, क्या 30 सितंबर को पैसे बांट दिए? हाँ। अब मुझे बताओ जेन्युइन बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर को क्या बैलेंस है पार्टनर्स का? मुझे बताओ 1 सितंबर को पहले वाले पार्टनर के कितने पैसे देने थे, इसको आपने सितंबर एंड में कितने पैसे दिए, तो कितना पैसा इसका रह गया? 84,350। 1 सितंबर को दूसरे वाले पार्टनर के कितने पैसे थे, आपने सितंबर के महीने में इसको पैसे कितने दिए, तो इसका पैसा कितना रह गया? और तीसरे वाले पार्टनर को कोई पैसा नहीं दिया सितंबर में, तो शायद 14,000 ही बात बनेगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब आप चेक करो अक्टूबर की बात। अब आप क्या चेक करोगे? अक्टूबर की बात। अक्टूबर में एसेट बेच के पैसे कितने आए? 77। लेकिन हाथों हाथ कमीशन देनी पड़ गई। कितनी? 3,500। टेबल पे कितने पैसे पड़े हैं अकाउंटेंट के पास? 73। आज डेट क्या है? 31 अक्टूबर। ड्रॉर खोल सकते हैं? ड्रॉर कब खुलेगा? बात समझ में आई? तो नाउ इधर देखिएगा, अगेन रिपीट करो, अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स ऑन 31 अक्टूबर 2021 कितना? 70,000 रिकवर हुआ, 3,500 का खर्चा हुआ, ड्रॉर खुला नहीं। ड्रॉर तो खुला नहीं 31 अक्टूबर को। ड्रॉर कब खुलेगा? कितना अमाउंट अवेलेबल है कैलकुलेट कर लो मैक्सिमम लॉस, यानी कि इसी अमाउंट को जो टेबल पे पड़ा है इसको क्या मान लो? फाइनल रिकवरी। मैक्सिमम लॉस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। मुझे बताओ मैक्सिमम लॉस है कितना? सर आज इनके पैसे देने कितने हैं? 84,350 प्लस 54,950, बोलो आज इनका पैसा कितना डूब सकता है मैक्सिमम? 84,350 54,950 प्लस 14,000 इनका डूब सकता है 153,300। लेकिन हम कितनी पोजीशन में हैं? 73,500 तो फिर भी इनको दे देंगे, तो इनका कितना डूब जाएगा? 153,300 डूब सकता है, लेकिन 73,500 अवेलेबल है, तो डूबेगा क्या? 79। दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। बाटो डिवाइड बाय 6 इंटू में 3 कितना आएगा? 39,900 लॉस हो गया। डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 26,600। आगे 13,300 अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालो। अमाउंट आउटस्टैंडिंग लॉस बांटने के बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है? 44,450 है।
और इसका कितना आ रहा है 28,350, और इसका कितना आ रहा है 700 रुपये, यही आ रहा है, बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ, इसका 1 अक्टूबर को देना कितना था, 1 अक्टूबर को देना कितना था, पहले वाले का बताओ ना, 1 अक्टूबर को देना कितना था, कितना लॉस हो गया, ये लॉस क्या है, मैक्सिमम लॉस बोलो कितना अभी भी देना है इसका, बात समझ में आई। आगे 54,950 देना है, 26,600 का लॉस मान लो, कितना देना है 28,350, उसके बाद 14,000 देना है, 13,300 का लॉस मान लो, कितना देना है। अब की बार सबका पॉजिटिव आ गया, बोलो, यानी कि अकाउंटेंट ने ये पैसा इसको देना है, ये पैसा इसको देना है, ये पैसा इसको देना है, इन तीनों का टोटल मारो, देखो 73,511 होगा जो अवेलेबल है, तो पता लग गया किसको कितना देना है, पता लग गया किसको देना है। लिखो पेड ऑन, कब पे कर रहे हैं, 31 अक्टूबर 21 को पे कर देंगे, 44,450, 28,350, मैंने जिसका जितना जितना देना है उतना उतना मेरे पास अवेलेबल है, बोलो बैलेंस निकाल लो 1 नवंबर को, 1 नवंबर 21 को बैलेंसेस कितने हैं जल्दी बताओ, बैलेंस ऑन 1 नवंबर 21, मुझे बताओ 1 अक्टूबर को पहले वाले पार्टनर का पैसा देना कितना था, 1 अक्टूबर को 84,350, आपने अक्टूबर एंड में पेमेंट कितनी की, तो इसका कितना रह गया, ये नवंबर का बैलेंस आ गया, बोलो दूसरे वाले पार्टनर का चेक करो, 54,950 लेस एक्चुअली पेमेंट कितनी हुई, नहीं, 28,350 की पेमेंट करी है ना आपने, 28,350 की पेमेंट करी, 26,600 पूरा पूरा, और इसको कितनी 13,300, क्योंकि 700 की तो पेमेंट हुई है इसको, इसका एक्चुअल बैलेंस अब ये बचा हुआ है। अब आप आओ नवंबर पे, नवंबर में आपकी एसेट कितनी रिकवर हुई, 35,500, आपके पास 3,500 के क्या हो गए, खर्चे, तो टेबल पे कितना पैसा पड़ा है, ड्रॉर खोल सकता हूँ सर, अब खोलना पड़ेगा, लेकिन खोल के पता चला बैंक को किसने पैसे दे दिए, तो मुझे बताओ मेरे पास 35,500 आए, माइनस 3,500 चले गए, प्लस 10,000 और बच गए, मेरे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है, आओ अमाउंट अवेलेबल, ये कहानी समझ में आ रही है, कितना कितना था अमाउंट बताना, एक बार 35,500 लेस 3,500, 35,500 लेस 3,500, लेकिन अब इसमें ड्रॉअर वाले क्या हो जाएंगे, प्लस ये ऐड ना होते, अगर मैट की जगह डिसऑनर लिखा होता तो, क्योंकि ये ड्रॉर से निकलते टेबल पे ना आके कहाँ चले जाते, नहीं आ रही बात समझ में। अब मुझे बताओ नवंबर के अंदर 42,000 रुपये अवेलेबल है, क्या नवंबर के बाद कोई और रिकवरी हो रही है, नहीं, तो मैक्सिमम लॉस निकाल लो, 42,000 टेबल पे पड़ा है, लेकिन मैक्सिमम लॉस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर, अब तो ये 42,000 ही बांटना है बस, तो मुझे बताओ आज पैसे देने कितने हैं सर, 39,901 देना है, 26,601 देना है, प्लस 13,301 देना है, आपने देना कितना है टोटल, 79,800, आपके पास है कितना, 42, तो बताओ फर्म को लॉस कितना है जी, 37,800, इस लॉस को पीएसआर में बांट दो, है 18,900, 12,600 और 6,300, बोलो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना बचा लॉस बांटने के बाद, कुछ नहीं है, दो स्टेप हैं, पहला पीएसआर, दूसरा गार्नर वर्सेस मरे, कितना आएगा है 21, उसके बाद 14, और यहां कितना आएगा 7, बोलो आज अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितने हैं लॉस बांटने के बाद, 42, और आपके पास पेमेंट भी कितनी है, पेड ऑन 30, बोलो 30, बोलो कितना
कितना कितना पे करोगे? 21, 14 और बात समझ में आई? बोलो अब मुझे बताओ 30 नवंबर को पेमेंट हो जाने के बाद कितने बैलेंसेस पड़े हुए हैं अभी? बैलेंसेस 30 नवंबर को कितने पड़े हैं? सर मुझे इनका कितना पैसा देना था? 39,900। मैंने अगले को कितने पैसे दिए? 21। अभी भी कितना देना है? 18,900। इसको कितना देना है? 12,600। और इसको कितना देना है? क्या अब ये पैसा मैं दे पाऊंगा या रिकवरी नहीं हुई? इसका मतलब मैंने पार्टनर्स का ये पैसा पे नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसका टोटल मारना, 18,900, 12,600 और 6,300। क्या 37,800 की पेमेंट पार्टनर्स को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये क्या है फर्म का, ये क्या है फर्म का? जो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर ही नहीं पाए एंड तक, वो पैसा उनका क्या हो गया? डूब गया। और डूबे हुए पैसे को हम क्या मानते हैं? ये एक का डूबा या सबका? ये फर्म का लॉस है। ये बात समझ में आ रही है? नोट कर लो, फिर एक चीज दिखाता हूं आपको। ये फर्म का लॉस है या नहीं है? अच्छा, इस 37, एक मिनट इधर देखना, 37,800 का लॉस हुआ, इसमें से मुझे बताना पहले वाले पार्टनर के कितने पैसे डूबे? 8,900। दूसरे वाले के 12,600 और तीसरे वाले के 6,300। यही पैसे डूबे? बोलो। आप ये नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1 सितंबर से लगा लूं, लो नोट करो आप, फिर मैं आपको क्रॉस टैली कराता हूं इस चीज में। पेपर में ये पता कैसे चलेगा हमारा आंसर सही है या गलत है? ये बात भी तो चेक करनी है। एक सितंबर से कह रहे हो लो, अभी आपको इसका क्रक्स बता देता हूं, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा। सब तो फिगर है आपके सामने, क्रक्स बता देता हूं। आपको हैवी लग रहा है? हैवी नहीं है, बहुत लाइट है ये। मुझे तो समझा समझा के करवाना था, 5 मिनट में होता है इसका क्वेश्चन। तो नंबर का यही है, बाकी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कुछ नहीं है, आप मेथड की थिंकिंग को समझो। मेथड क्या कह रहा है? हर रिकवरी को वो लास्ट रिकवरी कहता है। कहता है जो पैसा अवेलेबल है मंथ एंड पे, बस वही लास्ट है, इसके बाद कुछ भी मिलेगा नहीं। तो हर मंथ एंड पे आप ये चेक कर लो कितना देना था, कितना दे पाओगे। तो जो नहीं दे पाओगे वो सबका क्या हो गया? लॉस। उसी को क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम लॉस को, वो तो सबका है, तो इसलिए कैसे बटना चाहिए? पीएसआर में। पीएसआर में बांटने के बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाल लो। अगर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो उस नेगेटिव की इंटरप्रिटेशन क्या है? भाई तू घर से लेके रहा, अगला क्यों लाएगा? अगले को तो सच्चाई पता है ना, भाई अभी रिकवरी होनी है। अगला कहता है मैं नहीं लाऊंगा। उस नेगेटिव को क्या मान लो? इंसॉल्वेंसी। और उसको कैसे बांट दो? कैपिटल रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर्स को, बोलो। और उसके बाद फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालो, वो उसके बराबर आएंगे जो अमाउंट अवेलेबल है, वो बांट दो, फिर नया बैलेंस निकाल लो। ये प्रोसेस को रिपीट करते रहो, कब तक? लास्ट रिकवरी तक। अभी एक मेन चीज तो रह गई मेरा डाउट, जो यहां पे पूछना चाहिए एग्जामिनर को। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी सही टेस्ट होता है नॉलेज का। इसे तो कोई भी, चलो आपने तो समझ लिया, कोई रट भी तो सकता है इसे। यहां पे एग्जामिनर को एक पॉइंट बनाना चाहिए 3 से 4 नंबर का, कि प्लीज वेरीफाई 37,800 जो कंबाइंड लॉस हो रहा है, वही फर्म बंद करने की वजह से लॉस है।
इसको आप वेरीफाई करके दिखाइए, एक रिकंसिलेशन बनवाना चाहिए। ए को कितना लॉस हुआ, पहले पार्टनर को, दूसरे को? लॉस का मतलब क्या है, उनका ये पैसा मिल पाया या रिकवरी नहीं हो पाया, सबका कंबाइंड कितना रिकवर नहीं हुआ, इसका मतलब यही वो लॉस होगा बिजनेस का। ये वो फिगर होगी जो रियलाइजेशन से लॉस आता होगा। बोलो, यही तो हुआ है जो रिकवर नहीं, बिजनेस डूब गया बिजनेस। अब इधर देखना एक बार स्क्रीन पे, नोट हो गया? चलो नोटिंग आप ब्रेक में करना, दो मिनट। इधर देखो, इधर देखना, इधर देखना। आप मुझे बताओ, आराम से सोच के, आराम से सोच के, आपने बाजार में एसेट रखी कौन सी थी बिकने के लिए? स्टॉक और डेटर। रिकवरी इन्हीं से थी, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किसको करते? बैलेंस शीट में आप चेक करो, बैलेंस शीट में आपकी तीन एसेट हैं, कैश 28, स्टॉक और डेटर। 294 के डेटर हैं, स्टॉक 112 का है, मेरे ख्याल से यही है। आप रियलाइजेशन में कितना रखते हैं? ये रखते, बोलो, ये ट्रांसफर करते रियलाइजेशन में। अब मुझे बताओ, इनसे रिकवरी हो कितना रही है, इनसे रिकवरी हो कितना रही है, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, इनसे रिकवरी हो कितना रही है? स्टॉक और डेटर की जहां मंथली रिकवरी है उसका टोटल लगा दो, उसका टोटल लगा दो, अरे रिकवरी का टोटल लगाओ ना, 392,500। नहीं नहीं, माइनस मत करना रियलाइजेशन के खर्चे को, आप अभी स्टॉक और डेटर से मंथली रिकवरी का टोटल लगा दो, 3 लाख। वो रिकवरी आप कहां लिखते, 392,500 वो यहां लिखते, नहीं आ रही बात समझ में? स्टॉक को ट्रांसफर करते रियलाइजेशन में, डेटर को ट्रांसफर करते रियलाइजेशन में, और इनकी रिकवरी कहां दिखाते, बात समझ नहीं? और रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां दिखाते, डेबिट में। एक्सपेंस यहां दिखाते, एक्सपेंसेस का टोटल मारो, धीरे धीरे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस का टोटल मारो, कितना, 24,300। वो जो 10,000 बिल डिस्काउंट चल रहा था, वो मुझे देने पड़े या देने नहीं पड़े? तो फर्म का कोई लॉस नहीं है उसमें। इसका मतलब फर्म एक्सपेक्टेड अमाउंट टू रिकवर कितना था, ये एक्चुअल रिकवरी कितनी हुई, ये इस रिकवरी को करने में खर्चे हो गए, ये यहां से प्रॉफिट या लॉस निकालना कितना आ रहा है, 37,800 का क्या आएगा, चेक कर लो आप, 37,800 रुपए का लॉस आ रहा होगा, चेक कर लो आप। और यही तो पैसा डूब गया पार्टनर का। दूसरी बात, सर इस लॉस को हम कैसे बांटते हैं, पीएसआर में? जरा बांटो इस लॉस को पीएसआर में, 18,900, 12,600 और 6,300। चेक करो हर पार्टनर का, यही यही पैसा आपने नहीं दिया, नहीं आ रही बात समझ? दिस इज द रिकंसिलेशन। एक स्टेटमेंट 5 नंबर की यहां पे वो और बनवा दे कि रिकंसिलेशन करके दिखाओ कि जो तुम निकाल रहे हो, हैं? बात समझ में आई? आप चेक करो ना हम क्या कह रहे हैं, ये रिकवर हुआ या रिकवर नहीं हुआ, यही तो लॉस है, यही तो लॉस है, यस और नो? बात समझ में आई या नहीं? अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन हिलाऊं, अगर वो 10,000 फॉर्म को देने पड़ते हैं तो मुझे बताओ, यहां फॉर्म लॉस दिखाती है अपना 10,000, ये लॉस कितना हो जाता, 47,800। लेकिन फिर इसका मतलब ये 42 की जगह ये 32 ही रह जाता, तो ये भी तो जो इररिकवरेबल अमाउंट है, ये 10,000 बढ़ता तो ये भी तो 47,800 आता। रिकंसिलेशन है ये, पूछता नहीं है एग्जाम में, पूछनी चाहिए, होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे, कोई एक तो ऐसा होगा। तीनों का नेगेटिव नहीं होगा असल में, पता क्या, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, पता क्यों? आप ये देखो, ये मैक्सिमम लॉस मेथड क्यों बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि आप ये देखो इसमें कितनी बड़ी इनइक्वलिटी है, ये चेक करो। जब 5600 रुपए अवेलेबल थे तो
तो ये वाला पार्टनर जो भी था, क्या नाम था इसका, राहुल, राहुल कहेगा जी सबसे ज्यादा मेरे लगे मुझे दो ना पहले, इसके तो सबसे कम है इसको तो दो ही मत। आप मजे की बात देखो, आप मजे की बात देखो, इस बंदे को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, इसका कितना रिकवर नहीं हुआ, 18,900, इसका कितना रिकवर नहीं हुआ, और इसका आपको नहीं लगता इसका तो बहुत सा अमाउंट रिफंड हो गया, लेकिन ये सही हुआ है। टोटल लॉस बिजनेस का कितना है, वही हमने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करा है। किसी का कम लगा हो और किसी का ज्यादा लगा हो, इस बात पे प्रायोरिटी क्यों दें हम? रियलाइजेशन का लॉस कैसे बटना चाहिए, 37,800 क्या है, जो तुम्हें नहीं मिला तो वो भी तो इसी रेशो में होना चाहिए फिर। तो ये मेथड इस बात को सेटिस्फाई करता है। आप देखो, आपने कहीं पूरे क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, लेकिन फिर भी वही चीज निकल के आई जो रियलाइजेशन से आती है। लेकिन रियलाइजेशन कब बनता है, जब सिंगल शॉट पेमेंट हो। क्वेश्चंस में पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है आपको? अब पढ़ते हैं, आओ, जो हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, तीनों पार्टनर कैसे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन तो है ही नहीं, इधर देखना, पढ़ो। कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ग्रेजुअली। देख लिया आपने क्वेश्चन में, 31 जुलाई, 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर। नाउ द क्वेश्चन व्हिच अराइजेज इन फ्रंट ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म दैट इज, क्वेश्चन क्या है, हाउ ही शुड डिस्ट्रीब्यूट द कैश अवेलेबल। और कैश अवेलेबल हम किसको कह रहे हैं, वो नहीं जो रिकवर हुआ, जो रिकवर हुआ उसमें से माइनस कर दो क्या, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। तो 5600 कैसे आया था, 73,500 कैसे आया था, जो कैश रिकवर हुआ उसमें से माइनस कर दो क्या, कैश अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एंड आप मैक्सिमम लॉस कैसे निकाल रहे थे, जल्दी बताओ, इसी कैश को लेस करके, अमंग दी पार्टनर। अब वो कह रहे हैं जी, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू ऑल्टरनेटिव। अभी हमने ये वाला एमएलएम किया है, एमएलएम क्या कहता है सुनो, एमएलएम कहता है कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर आफ्टर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड आउटसाइड लायबिलिटी। आप ये देखो, पार्टनर को आप दे क्या सकते हो, तो 31 जुलाई को मेरे ख्याल से हमने उसको क्या ऑफर किया, कुछ नहीं। 31 अगस्त को हमने क्या ऑफर किया, 5600 है ना हमारे पास देने के लिए, लेकिन हमने देना कितना है, 2,24। तो कैलकुलेट करो पार्टनर को देना कितना है, पार्टनर को देना कितना है, 2,24। तो 2,24 बनता है पार्टनर का, लेकिन आपके पास पैसे हैं कितने, ये क्या कहलाएगी, 2,18,400 की फिगर, मैक्सिमम लॉस। बोलो ये मैक्सिमम लॉस हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक अजम्पशन ली कि अब और कोई फर्दर रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, नो फर्दर रियलाइजेशन इज पॉसिबल। अब जो मैक्सिमम लॉस आया 2,18,400, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैसे, पीएसआर में। पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई, कहते चेक द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर, इफ द बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर इज फाउंड नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आप उससे पैसे मांग रहे हो, उसको दे नहीं रहे हो, तो वो पैसे देगा थोड़ी ना, देन सच नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी एंड इट इज टू बी डील एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मोरे। इसका मतलब वो नेगेटिव जो बैलेंस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर में बटेगा इन देयर कैपिटल रेट, और उसके बाद बटने के बाद जो बैलेंसेज आएंगे, नाउ डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल कैश अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब जो बैलेंसेज आएंगे वो वही होंगे जो आपके पास कैश अवेलेबल है। फिर उसके बाद हर महीने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो, कब तक, लास्ट रियलाइजेशन। दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, मजा आ गया, बोलो जी।
क्वेश्चन नंबर 36 एक बार रीड करना मेरे साथ साथ, चेक करो। अगली क्लास में हम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, मंडे को हम पार्टनरशिप खत्म करेंगे क्योंकि सरप्लस कैपिटल मेथड कराना है और एक जेएलपी डिस्कस करनी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, याद है आपको, तो खत्म होगा। और उसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक करवा दूं ताकि रिवीजन करते रहोगे आप, एक दो क्लास में ही खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, ऐसा कुछ करा दूं या बड़ा टॉपिक उठाऊं, छोटे छोटे टॉपिक उठा लूं एक, है स्टैंडर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूं दो तीन छोटे छोटे टॉपिक कर लो जो दो तीन क्लास में हो जाएंगे, तो आपका दिल लगा रहेगा कि यार ये छोटा सा, जैसे रिवीजन का कई बार क्या होता है, कम टाइम होता है आपके पास। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास आज दो घंटे फ्री है, मैं रिवीजन करना चाहता हूं, तो दो घंटे में आप पूरी पार्टनरशिप रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन दो घंटे में आप डिपार्टमेंटल कर सकते हो। तो आपको वो दो घंटे यूटिलाइज करने के लिए आपका एक टारगेट तो होगा आपके सामने, डिपार्टमेंटल 7 नंबर का आ जाता है कई बार, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो यार, चिंता नहीं, पढ़ तो लें पहले। हाँ, आपको क्लास है ना आपकी, इस वजह से कह रहे हो आप। मैं दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, 36 भी और एक क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, 37 शायद आपका हो गया, एक क्वेश्चन हमारा होमवर्क में जाएगा। तो मंडे से ये बात ध्यान रखेंगे, एक तो घर से प्रॉपर आप खा के आएंगे थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है, ऐसे मत करना सर, सर ये क्या कर रहे हो, हैं वो चीज़ मत करना, क्योंकि सिटिंग है ना 4-4.5 घंटे और अकाउंट्स, मज़ा आएगा आपको, ट्रस्ट में। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 38 MLM में ये तीन क्वेश्चन अगर आप कर लो तो बल्ले बल्ले है सारा काम। एक बार मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप ना MLM का जो कॉन्सेप्ट था वो दोबारा रीड कर लो, वहां कोई डाउट है तो पूछ लो, जो मैंने बादल बनाई है ना कॉपी में सारे जमीन पर। हाँ पलक, क्वेश्चन नंबर 39 भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 9:30 से 2 बजे तक, इधर भी एक्सटेंड हो गया और थोड़ा सा उधर भी एक्सटेंड हो गया, और बीच में ब्रेक आ गई आपकी, 10-15 मिनट की आपको ब्रेक दे देंगे, 10 मिनट की तो सफिशियंट है। अरे 10 मिनट में तो लक्ष्मीनगर से मेट्रो पकड़ के निर्माण विहार होके वापसी आ सकते हो, तो इतनी होती है ब्रेक, और क्या। आप कोऑर्डिनेट करा करो ना, उनका नंबर ले लो, तो व्हाट्सएप कर दो पहले ही। हैं? आप सोचो, आप तो ब्रेक में बाहर चले जाते हो, मैं तो नहीं जाता हूं। हैं? हाँ, तो इस बात से आप रैंक के दावेदार हो गए, मैं भी नहीं गया तो बाहर। आपकी असली पढ़ाई वो है जब आपको टाइम का पता ही ना लगे। आओ जी, सच बताना, अकाउंट्स में मजा आ रहा है या नहीं। आओ जी, पूरा कॉन्सेप्ट रीड करो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। ये टाइम इसलिए दे रहा हूं आपको 2 मिनट, ताकि आज से, जैसे अभी इस बच्चे ने पूछा, दिसंबर में अगर इस पेज को रीड करना पड़ गया तो क्या हो सकता है, घर पे समझ ही नहीं आएगा क्या था ये, बात समझ में आई। इसको रीड कर लो, जहां किसी लैंग्वेज में दिक्कत है, जहां किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उस पर अभी गोला मार के हिंदी में लिख लो। जून अटेम्प्ट वाले तो खास तौर पे, दिसंबर वालों को तो याद रहेगा, और मजे की बात देखना, अगर दिसंबर में एक क्वेश्चन ना आया तो जून में इसके आने की पॉसिबिलिटी कम है। मुझे लग रहा है कोई ना साइलेंट वॉर चल रही है। मेरी गलती है जी, मैं
मैं मेरे को एग्जैक्टली वो चीज बोलनी चाहिए थी जो आप सोच रहे थे, मेरी गलती है ऑब्वियसली। मैं आर्गुमेंट में जाते ही नहीं, मैं तो मेरी गलती है जी। हर क्वेश्चन में नहीं, हर रियलाइजेशन पे अज्यूम करेंगे। हर रियलाइजेशन का मतलब जब अकाउंटेंट के पास पैसे होंगे, धन्यवाद, जब अकाउंटेंट के पास पैसे होंगे तो हमारा अकाउंटेंट क्या सोचेगा, ये लास्ट पैसे हैं अब और नहीं है, तभी तो मैक्सिमम लॉस बोल रहे हैं। मिलेगा तो वो तो बाद में पता लगेगा ना भाई, ईच डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा उस हिसाब से। हर क्वेश्चन में नहीं, उस क्वेश्चन में जहां पीस मील है पता कैसे चलेगा। मैं दो चीजें कह रहा हूं, जिनका जून है प्लीज गो फॉर रैंक, और जिनका दिसंबर है मैं आपको यही टारगेट दे रहा हूं, बस इतनी सी बात है। इतनी मेहनत करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, वो कुछ यही है। और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, बस अंदर जाके पेपर नहीं दे सकते, बात समझ नहीं, आपके साथ खड़े हैं जी, टेंशन ना लो। हाँ जी, और सर ने तो इस हिस्ट्री को बार बार रिपीट किया है, और इसको तो पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है सर ने, समझ रहे हो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आओ जी पढ़ते हैं। वो पढ़ लिया आपने कॉन्सेप्ट, पढ़ लिया बोलो, यस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, आ जाओ। रीड करवा देता हूं मैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR ऑन 31 अगस्त। मुझे बता दो बैलेंस शीट कौन सी डेट की है। व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 क्रेडिटर पी का लोन। अच्छा, पी ने लोन दे रखा है तो क्या पहले पी को पैसे वापस होंगे या पी की कैपिटल वापस होगी? पी का लोन वापस होगा, बात समझ नहीं, क्योंकि वो एक आउटसाइडर की कैपेसिटी में उसने लोन दे रखा है, बात समझ नहीं, पी की कैपिटल। अच्छा, क्या MLM इस अमाउंट पे एप्लीकेबल है? ये तो उसने लोन की तरह दे रखा है, ये चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देख लो, उन्होंने भी सॉल्यूशन में रियलाइजेशन खर्चों का वो बनाया, क्रेडिटर का बनाया, पार्टनर लोन का अलग बना दिया, इसको कैपिटल में क्यों नहीं डाला? कि भाई कैपेसिटी अलग अलग है। MLM किस पे अवेलेबल है? पार्टनर्स पे, कैपिटल के अमाउंट पे अवेलेबल है, ओ एप्लीकेबल है। द एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट। इस वर्ड से ही क्या पता लग गया ये क्या है, पीस मिल, क्योंकि टुकड़ों में एसेट प्रैक्टिकल लग रहा है आपको, जाहिर बात है। द एक्सपेंसेस, अच्छा कैसे कैसे, पहली इंस्टॉलमेंट आई 1000 रुपए की, दूसरी 3000, फिर 3900, फिर 6000, फिर 20000, और पहले से पड़े थे 500। कहते हैं द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 500 रुपया लगेगा, बट अल्टीमेटली कितना लगा? 400। तो बताओ ये 500 रुपये रिजर्व हो जाएगा, लेकिन बाद में 100 रुपया रिकवर, सेविंग इन एक्सपेंस। हमें एक्सपेंस का अनुमान कितना था? 500, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? 400। तो सेविंग इन एक्सपेंस रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? शो हाउ ईच स्टेज, हर बार जब रियलाइजेशन हुई, कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द MLM मेथड। लगाना है घर पे लगा सकते हैं आराम से, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा सा सोच विचार करना कि वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि 500 रुपए हमने सोचे थे लेकिन कितने एक्चुअली में लगे? 400। बात समझ में आई या नहीं? ओके, ये आप कर लेना होमवर्क में। इसके बाद अगली क्लास का एजेंडा मेरा पहले से ही सेट है, और वो क्या सेट है? सरप्लस कैपिटल मेथड, और वो तभी समझ में आएगा जब आप ये रिवाइज करके आओगे। इधर देखना, इसमें और पंगा है,
इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, तीनों की आपस में रेशियो दी हुई है। ड्यू टू एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन इट वॉज डिसाइडेड टू डिजोल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट दी हुई है आपको 31 दिसंबर की। कहते कॉम्पिटिशन बहुत था मार्केट में, हम काम कर नहीं पाए, हमने कहा बंद कर लो, फर्नीचर फिटिंग ये सब ये ओके, करंट अकाउंट दिए हुए हैं, बताओ कैपिटल कैसी है। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पॉइंट जो मुझे देख के मजा आता है, इस क्वेश्चन में रिजर्व दिए हुए हैं, लोन फ्रॉम जी, जी एक पार्टनर है, तो बताओ ये कैपिटल में चला जाएगा, ये अलग से बनेगा कॉलम एज एन आउटसाइडर क्रेडिटर। द रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, बताओ जी। इसमें अभी एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, आप कहोगे सर ये क्या है, इधर देखना, फरवरी में डेटर से इतने पैसे मिले, मार्च में मशीन से ये, अप्रैल में फर्नीचर से ये, मई में जी एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, देखना इस क्वेश्चन को भी, कोई बात नहीं, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं बिकी ना, बोलो बाहर नहीं बिकी, क्लियर है। ओरिजिनली डिसोल्यूशन एक्सपेंस ओरिजिनली प्रोवाइडेड, हमने 13,500 ओरिजिनली रखा था लेकिन 9600 का खर्चा हुआ, तो कुछ मेरे ख्याल से 3900 बच गएंगे, ठीक है, और ये सेटलमेंट हो गई, ये हो गया वो हो गया सब ओके है, MLM लगाना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात पता क्या है, एक बार जरा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट ओपन करो। MLM लगाते समय अगर गार्नर वर्सेस मोरे लगाना पड़ता है तो वो लॉस किस रेशो में बढ़ता है, कैपिटल रेशो में। यहाँ पे कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर निकालो जहाँ गार्नर वर्सेस मोरे लगाया था, फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल रेशो का मतलब क्या है, फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल रेशो का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट एज गिवन इन दी, बोलो अब मुझे बताओ ना कैपिटल कैसी है इनकी। तो अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव आ रहा होगा गार्नर वर्सेस मरे, किसी पार्टनर का क्या आ रहा होगा जल्दी बताओ, किसी पार्टनर का क्या आ रहा होगा, नहीं आ रही बात समझ में, नेगेटिव आ रहा था ना 2800 अभी जो क्वेश्चन करके आए हो, वो किस में बट रहा था, सॉल्वेंट पार्टनर में, लेकिन किस रेशो में, यहाँ पे कैपिटल रेशो बनी बनाई है, बनानी पड़ेगी, बनी बनाई है ये रही। इंसॉल्वेंसी में चेक करो, आपने लिखा हुआ दो केस कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो कैसे लिख लेगी, आफ्टर एडजस्टिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यस ऑन लिखा हुआ है आपने या नहीं, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स होंगी तो कैपिटल रेशियो क्या है, लिखा हुआ है आपने या नहीं, नहीं लिखा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल रेशियो कौन सी होगी, फिक्स्ड, ये समझ में आया। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, इसके बाद हमारा पार्टनरशिप में जो काम रह गया है सुन लो, पहले अगली क्लास में भी मैं पार्टनरशिप के डाउट नहीं लूंगा, सुनना। अब मैं मंडे को कैसे चलूंगा, मेरी बात को सुनना, मंडे को मैं रिमेनिंग पोर्शन करवाऊंगा, कौन सा JLP करवा दूंगा, और क्योंकि बड़ी क्लास है, और सरप्लस कैपिटल मेथड ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, क्लास ओवर हो जाएगी मंडे को। अब क्या होगा, आप पूरी पार्टनरशिप घर पे रिवाइज करते रहना, वेडनेसडे फ्राइडे मंडे जो भी है। अब आपके जब डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, मान लो अगला मंडे आएगा या अगला वेडनेसडे आएगा, हम क्या करेंगे, जो हम कोर्स करवा रहे होंगे उसको हम 1 बजे तक कर लेंगे, और उसके बाद 1 से 2 आपके पार्टनरशिप के डाउट्स कर लेंगे, बात समझ में क्लियर है या नहीं, या एक काम कर लेंगे, कुछ बच्चों को डाउट हो सकते हैं कुछ को नहीं हो सकते, तो हम पहले से ही अनाउंस कर देंगे कि अगली क्लास में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पार्टनरशिप के डाउट होंगे, तो वो बच्चे जिनको डाउट नहीं है वो तो आराम से आ जाएंगे 10:30 तक, यस और नो, 10:30 तक आराम से आ जाएंगे क्योंकि उनको पार्टनरशिप में डाउट नहीं होंगे, वो प्लान करके चलेंगे हम, थोड़ा सा बात समझ में आई या नहीं। पार्टनरशिप में आपको डाउट हो सकते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप का ही एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा लेंथी और सबसे ज्यादा डाउटफुल रहता है, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स में ना तो लेंथी है कुछ, दूसरी बात ना उसमें डाउट्स बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि क्रिस्टल क्लियर रहता है सब कुछ, मल्टीपल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, या मल्टीपल ट्रांजेक्शन है ना। अब आप इधर देखना, एक बार इधर देखना, पार्टनरशिप में क्या क्या पड़ा इधर देखो अभी तक, और क्या क्या पेंडिंग है इधर देखो। आपने स्टार्ट कहां से किया था, गुडविल से, गुडविल के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट पड़ा, NPSR,
एनपीएसआर के बाद कौन सा पढ़ा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद कौन सा पढ़ा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व्स, ऐसा कुछ पढ़ा आपने। उसके बाद क्या पढ़ा? कैपिटल एडजस्टमेंट, बोलो। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में अपने आप में ही सिंपल डिसोल्यूशन भी था, सिंपल का मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा। उसके बाद इंसॉल्वेंसी भी आ गई, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पे गार्नर वर्सेस मोरे लगा, बोलो। उसके बाद एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फर्म डिसॉल्व हो गए, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, यानी कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। तो इसमें और इसमें एक कॉमन बात थी कि सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर होती हैं, लेकिन फर्म जब इंसॉल्वेंट हो जाती है तो लाइबिलिटियाँ ट्रांसफर नहीं होती, जबकि क्या बनता है? डेफिशिएंसी अकाउंट। ये बात पढ़ी थी हमने। उसके बाद हम आए कौन से कॉन्सेप्ट पे? अमलगामेशन में। अमलगामेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जी बिजनेस मर्ज हो रहा है, ठीक है, अमलगामेशन हो, सेल टू कंपनी हो या कन्वर्जन हो, लेकिन इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि जी पुराना बिजनेस बंद हो रहा है। पुराना बिजनेस बंद हो रहा है तो जिसको बेच रहे हैं पीसी चाहिए। पीसी कैसे मिल सकती है? सर कैश में भी मिल सकता है, शेयर भी मिल सकते हैं, डिवेंचर भी मिल सकते हैं, नई कंपनी कुछ भी दे सकती है आपको बदले में, ठीक है जी। ये पीसी जाएगी कहाँ? पीसी होती क्या है? पीसी कैलकुलेट कैसे होता है? बोलो, बात समझ में है या नहीं है? ये सारी बातें की हमने। उसके बाद हमने कहा जी पीसमील, पीसमील में अपने दो मेथड हैं, कौन कौन से? मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड। और इसके बाद हमारे पास एक जेएलपी का कॉन्सेप्ट है, बोलो। अभी ये दो कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, लेकिन आप देखो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हमने कितने पढ़े, और अपने आप में भूचाल है ये। नॉर्मली बचे हुए चैप्टर्स जो हैं दो से तीन कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें देख लो पांच कॉन्सेप्ट हाईएस्ट। ब्रांच वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कह रहा हूँ, बोलो। समझ में आ रही बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, दो बातें, चार बातें, पांच बातें, छह बातें, बस इससे बात और चार्ट बना देंगे उसका भी। बात समझ में आ रही है? रेगुलर आओ, प्रसाद मिलता रहेगा। पार्टनरशिप नहीं, अगली क्लास में, अगली नहीं उससे अगली, मतलब अभी मंडे को पहले इसको वाइंड अप करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करवाते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी रैंडमली, जैसे मैं आपको डेढ़ बजे के आसपास ना, डेढ़ बजे के आसपास जो टॉपिक्स हो गए हैं, डेढ़ पौने दो बजे के आसपास मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, 15 मिनट का 20 मिनट का 25 मिनट का, हर क्लास में नहीं, किसी किसी क्लास में रैंडम चेक करता रहूंगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बना दिया पीस मील का मॉड्यूल से, कहीं और से दे देंगे एक क्वेश्चन, आप रैंडमली करोगे पीस मील, तब आपको ये पता लगेगा कि आप भूल तो नहीं रहे, लेकिन वो रोज नहीं होगा, वंस इन अ वीक। लास्ट 15 मिनट में एक एक्सरसाइज है, कभी कभी हम ब्रेक ही स्किप कर देंगे। बात समझ में आई? थैंक यू जी वेरी मच।